कैमरा शुड बी ऑन। एवरीबडी कैमरा शुड बी ऑन एंड योर फेस शुड बी प्रॉपरली विजिबल। प्रीति पटेल आप अपने सही नाम से आओ। साधिका मौर्य अपने सही नाम से आए आप। साधिका मौर्य अपने सही नाम से आइए। महिमा मीनू आप लोग दोनों एक ही डिवाइस पर पढ़ रहे हो। ओके फाइन। सभी लोग कैमरा ऑन रखेंगे। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अरशद बिल्कुल आप खाना खा लीजिए, कोई इशू नहीं है। खाना खा रहे हैं राइट। बिल्कुल डिनर कर लीजिए आप लोग आराम से प्रॉपर। आशीष कुमार अपनी ब्रांच के साथ आइए। ब्रांच ईयर सिंगल नाम के साथ ना है। भानुप्रिया अपनी ब्रांच के साथ आइए, उसमें पहले ईसी मेंशन करिए। रेनू आप भी अपने नाम के साथ ब्रांच को ऐड करिए, डबल ई पहले लिखें। विनोद आप सोने आए हैं, क्लास करनी है उठकर करें। अभी आप बोलने वाले हैं कि सर मैं बीमार हूं। अनुराग क्लासेस आप प्रॉपर करते रहो। ओके साथ का आप दो लोग क्लास कर रहे हो एक साथ। डाटा खत्म हो गया राइट। डबल ई सुशांत अपने प्रॉपर एडमिट जो आपके पास कार्ड है आई कार्ड उसके रोल नंबर के साथ है। चलिए गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और मेरा वीडियो क्लियरली विजिबल है? अगर आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियरली विजिबल है तो आप जो है थम्स अप कर सकते हैं, फिर चैट में लिख सकते हैं, जिससे कि हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट कर सकें। चलिए मेरे ख्याल से सभी को मेरी स्क्रीन और आवाज क्लियर है, ठीक है? तो
हम लोग अपने ट्रांसमिशन को स्टार्ट करने जा रहे थे, लेकिन ट्रांसमिशन में आप देखेंगे कि जो ट्रांसमिशन लाइन होती है वो एक टू पोर्ट नेटवर्क होती है, ठीक है। जनरली आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन है वो एक टू पोर्ट नेटवर्क को रिप्रेजेंट करती है, और अगर ट्रांसमिशन लाइन एक टू पोर्ट नेटवर्क को रिप्रेजेंट करती है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ट्रांसमिशन लाइन की एनालिसिस करने के लिए आपको टू पोर्ट पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, टू पोर्ट पैरामीटर की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो हम अपनी ट्रांसमिशन लाइन को स्टार्ट करने से पहले अपने टू पोर्ट नेटवर्क को पहले एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपको BEE3 में पढ़ाया जाना था, ठीक है, लेकिन मैं ट्रांसमिशन स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें मुझे आपके टू पोर्ट नेटवर्क की जरूरत पड़ने वाली है, तो BEE की जगह आपके इस टॉपिक को हम लोग जो है ट्रांसमिशन में ही पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो आपको हेडिंग अपने नेटवर्क में डालनी है, अपने टॉपिक में, दैट इज द ट्रांसमिशन। जो भी इलेक्ट्रिकल वाले हैं, इलेक्ट्रिकल वाले ट्रांसमिशन की कॉपी में ही अपने टू पोर्ट नेटवर्क को नोट करेंगे, और जितने भी इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं वो सभी अपनी BEE3 की कॉपी बना लेंगे, जिसमें कि आपका पहला एक टॉपिक आपका चलने वाला है, दैट इज द टू पोर्ट नेटवर्क, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पर टू पोर्ट नेटवर्क पढ़ने जा रहे हैं, टू पोर्ट नेटवर्क, ठीक है। पिछले साल भी टू पोर्ट नेटवर्क मैंने ही पढ़ाया था ट्रांसमिशन में, ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है, काफी इजी टॉपिक है, और जितना भी आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ा है उसी के कॉन्सेप्ट आपके क्या होने वाले हैं बेटा, यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं टू पोर्ट स्टार्ट करने से पहले, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले हमें डिस्कस करना है कि पोर्ट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द पोर्ट, ठीक है। तो टू पोर्ट स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द पोर्ट, पोर्ट किसको बोलते हैं, ठीक है। तो पहली हेडिंग आपको डाल लेना है, दैट इज द पोर्ट, ठीक है। पोर्ट क्या होता है, कोई स्टूडेंट जो पोर्ट की डिफिनीशन मुझे बताना चाहे कि हम पोर्ट किसको बोलेंगे, पोर्ट से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द पोर्ट, ठीक है। पोर्ट की अगर मैं डिफिनीशन की बात करूं तो पोर्ट मेरा क्या होता है, पोर्ट एक मेरा पेयर ऑफ टर्मिनल होता है, ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूं, पोर्ट इज ए पेयर ऑफ टर्मिनल, पेयर का मतलब जोड़ा होता है, ठीक है। आपका जो पोर्ट है वो एक पेयर ऑफ टर्मिनल है, जिसमें किसी भी टर्मिनल से अगर आप आई करंट इंटर कराते हैं तो उतना ही आई करंट दूसरे टर्मिनल से क्या करना चाहिए, लीव करना चाहिए। सर पहली बार नाम सुन रहे हैं, ठीक है, पहली बार नाम सुन रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अच्छा, टू पोर्ट नेटवर्क आप लोग अपने मेरे ख्याल से जो है डिप्लोमा लेवल पे नहीं पढ़ के आए होंगे, तो इस टॉपिक को थोड़ा सही से पढ़िएगा, काफी सिंपल टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कई सारे आप देखेंगे कि जब आप EDC एनालॉग, जब आप एनालॉग पढ़ेंगे तो BJT को डिफाइन करने के लिए आप H पैरामीटर यूज करते हैं, जिनको हम हाइब्रिड पैरामीटर बोलते हैं। जो आपका ट्रांजिस्टर या फिर BJT होता है वो भी एक टू पोर्ट नेटवर्क होता है, ट्रांसफॉर्मर भी एक टू पोर्ट नेटवर्क है, ट्रांसमिशन लाइन भी एक टू पोर्ट नेटवर्क है, ठीक है। और अगर आप जो है अपने ट्रांजिस्टर या फिर BJT की एनालिसिस करना चाहते हैं तो आपको टू पोर्ट, अगर नेटवर्क को ट्रांजिस्टर रिप्रेजेंट करता है तो आपको उसको टू पोर्ट पैरामीटर की हेल्प से आप क्या करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, ठीक है। उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए हम लोग टू पोर्ट मॉडल क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो ये जो टू पोर्ट नेटवर्क है आप देखेंगे कि कई बार आपको यूज आएगा, जब इलेक्ट्रिकल वाले पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिकल वालों को ट्रांसमिशन लाइन में इसका काफी रिक्वायरमेंट पड़ेगा, वहीं EC वालों को टू पोर्ट नेटवर्क का रिक्वायरमेंट, जब वो BJT को पढ़ेंगे तब आपका जो है BJT हो गया, आपका जो है FET हो गया, वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टू पोर्ट पैरामीटर का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, ठीक है। सिंपल टॉपिक आराम से पढ़ेंगे, मैं आपको आराम से पढ़ाने की कोशिश करता हूं, और जो भी चीजें मैं बोल रहा हूं उनको आप ध्यान से सुनते जाएंगे, ठीक है, सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी, ठीक है। कई लोग जो है बोल रहे थे कि सर खाने का दिक्कत है, ठीक है बेटा, अभी 8 बजा है, आपने भी खाना नहीं खाया, मैंने भी खाना नहीं खाया, जब क्लास खत्म होगी तो खाना खा लेंगे, इसलिए पढ़ाई के सामने खाना नहीं आना चाहिए, ठीक है। हाँ, पोर्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो पोर्ट की डिफिनीशन होती है, पोर्ट मेरा एक पेयर ऑफ टर्मिनल होता है, जिसमें अगर आप एक टर्मिनल से अगर आई करंट इंटर कराएंगे तो उतना ही आई करंट दूसरे टर्मिनल से क्या करना चाहिए, लीव करना चाहिए। अगर आपके पास ऐसे पेयर ऑफ टर्मिनल हैं जिसमें एक टर्मिनल से अगर आई करंट इंटर करा रहे हैं तो दूसरे टर्मिनल से आई करंट लीव करा है, तो ऐसे पेयर ऑफ टर्मिनल को आप क्या बोलते हैं, पोर्ट बोलते हैं। अच्छा, टर्मिनल आप कहाँ डिफाइन करते हैं, टर्मिनल हम जो है सर्किट या फिर नेटवर्क में डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो आपको जो है मुझे
टू पोर्ट बनाने के लिए, टू पोर्ट सर्किट बनाने के लिए, फिर पोर्ट को बनाने के लिए, पोर्ट क्या है, पेयर ऑफ टर्मिनल है, टर्मिनल्स का जोड़ा है, टर्मिनल डिफाइन होते हैं सर्किट में। तो मैं एक यहाँ पर सर्किट आपका जो है डिफाइन करूंगा, उस सर्किट में मैं दो टर्मिनल डिफाइन करूंगा और उस टर्मिनल में, उस दो टर्मिनल में से एक टर्मिनल से जितना करंट इंटर करेगा, दूसरा ही दूसरे टर्मिनल से आपका करंट क्या करना चाहिए, लीव करना चाहिए। ऐसे पेयर ऑफ टर्मिनल को आप क्या बोलते हैं, दैट इज पोर्ट बोलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, अभी आपको बनाना नहीं है, सुनना है, ठीक है। तो यहां पर मैं पोर्ट को डिफाइन करने के लिए एक सर्किट ले रहा हूं, वो सर्किट आपका कैसा है, लीनियर पैसिव बाइलेटरल नेटवर्क है। लीनियर का मतलब कि उसमें, उसके अंदर जो एलिमेंट लगे होंगे वो लीनियर होंगे। लीनियर का मतलब आपका जो है, दैट इज आपकी कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल जो होता है वो दो आपके रूल से मिलकर बना होता है, एडिटिविटी और होमोजेनिटी, ठीक है। लीनियर एलिमेंट होंगे जैसे रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये सारे के सारे लीनियर एलिमेंट है। लीनियर के बाद पैसिव, पैसिव का मतलब वो एलिमेंट जो एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। तो रजिस्टर भी आपके एनर्जी को कंज्यूम करता है और जनरली इंडक्टर और कैपेसिटर भी एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। और बाइलेटरल का मतलब कि करंट उन एलिमेंट से दोनों ही तरफ क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है, ठीक है। तो पोर्ट की डिफिनेशन समझाने के लिए मैं आपके पास एक लीनियर पैसिव नेटवर्क कंसीडर करूं। नाउ आई कैन बी कंसीडर ए लीनियर पैसिव नेटवर्क, आई कैन बी कंसीडर ए लीनियर पैसिव नेटवर्क, दिस इज ए लीनियर कॉमा पैसिव एंड बाइलेटरल नेटवर्क, बाइलेटरल नेटवर्क। मेरे पास एक लीनियर पैसिव बाइलेटरल नेटवर्क है। अब इसमें आपके एलिमेंट कनेक्ट होंगे, रजिस्टर भी हो सकते हैं, इंडक्टर भी हो सकते हैं, कैपेसिटर भी हो सकते हैं। उनका कनेक्शन कैसे लगा है, उस कनेक्शन की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने आपको बोला कि मेरे पास एक लीनियर पैसिव बाइलेटरल नेटवर्क है और इस नेटवर्क में मैं दो टर्मिनल बना रहा हूं। कितने टर्मिनल बना रहा हूं, दो टर्मिनल। अब ये दो टर्मिनल आपके पोर्ट कब कहलाएंगे, पोर्ट कहलाने की कंडीशन है कि पोर्ट की डिफिनेशन होती है पेयर ऑफ टर्मिनल, ए पेयर ऑफ टर्मिनल इन विच अगर किसी भी एक टर्मिनल से आप आई करंट इंटर करा रहे हैं तो उतना ही सेम करंट दूसरे टर्मिनल से क्या करना चाहिए, लीव करना चाहिए। तो आप देखेंगे इन दोनों टर्मिनल को आप पेयर कब बोलेंगे या पोर्ट कब बोलेंगे, इस दोनों टर्मिनल्स को आप पोर्ट कब बोलेंगे, जब अगर आप एक टर्मिनल से आई करंट क्या करिए, इंटर करिए। अगर इन टर्मिनल में से एक टर्मिनल से मैं आई करंट इंटर करा रहा हूं, इतना ही सेम आई करंट दूसरे टर्मिनल से क्या कर जाए, लीव कर जाए। तो अगर एक टर्मिनल से जितना करंट इंटर कर रहा है उतना ही सेम करंट अगर दूसरे टर्मिनल से क्या कर जाए, लीव कर जाए, तो ऐसे पेयर ऑफ टर्मिनल को, ये क्या है, पेयर है, पेयर मतलब जोड़ा, ऐसे पेयर ऑफ टर्मिनल को क्या बोलते हैं, पोर्ट। तो आप देखेंगे मैंने दो दो टर्मिनल बनाए हैं, एक टर्मिनल से जितना करंट इंटर कर रहा है उतना ही करंट दूसरे टर्मिनल से क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। तो ऐसे पेयर ऑफ टर्मिनल को, दिस पेयर ऑफ टर्मिनल इज नोन एज पोर्ट, नोन एज पोर्ट। ऐसे पेयर ऑफ टर्मिनल को क्या बोलते हैं, आपका पोर्ट बोलते हैं। तो पोर्ट की डिफिनीशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। डिफिनीशन है कि पोर्ट क्या है, पोर्ट आपके पेयर ऑफ टर्मिनल है और ऐसे पेयर ऑफ टर्मिनल को आप पोर्ट बोलते हैं जिनमें से एक टर्मिनल से जितना करंट इन करता है उतना ही करंट आउट करना है, ठीक है। तो आप देखेंगे ऐसे दो टर्मिनल जिनमें एक टर्मिनल से जितना करंट इंटर कर रहा है अगर उतना ही सेम करंट दूसरे टर्मिनल से क्या कर जाए, लीव कर जाए, तो ऐसे पेयर ऑफ टर्मिनल को आप क्या बोलते हैं, पोर्ट बोलते हैं। तो मुझे कि मेरे ख्याल से आपको पोर्ट की डिफिनीशन क्लियर होगी। पोर्ट की डिफिनीशन को डिफाइन करने के लिए आपको जो है, जो डेफिनीशन होती है वो मैंने आपको बता दी। किन्हीं भी दो टर्मिनल को आप पेयर नहीं बोल सकते, ऐसे दो टर्मिनल जिनमें से एक टर्मिनल से जितना करंट इन करेगा दूसरे ही टर्मिनल से उतना ही करंट आउट करना चाहिए, ऐसे पेयर ऑफ टर्मिनल को आप क्या बोलेंगे, पोर्ट बोलेंगे, ठीक है। तो लिखिए बेटा, फिगर को बनाइए, उसके बाद मैं आपको डेफिनेशन लिखाता हूं, ठीक है। नाउ आई कैन बी टेक द डेफिनेशन, फिगर को बनाइए और उसके नीचे आप डेफिनेशन लिखिए पोर्ट।
कोर्ट आपके दो टर्मिनल का पेयर है, पेयर मींस जोड़ा है, जोड़े में दो चीज होती है, एक और दो, दो टर्मिनल का ऐसा जोड़ा जिसमें से एक टर्मिनल से जितना करंट इन करे उतना ही करंट आउट करे, ऐसे पेयर ऑफ टर्मिनल को आप कोर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं, मेरे ख्याल से आपने बना लिया होगा। ए पेयर ऑफ टर्मिनल, या फिर आप ऐसे लिखें, पोर्ट इज ए पेयर ऑफ टर्मिनल्स in which if I current is entering from one terminal, then same I current is leaving from other terminal. This type of pair of terminal is known as a port. This type of pair of terminal is known as port. ठीक है, ऐसे पेयर ऑफ टर्मिनल को आप पोर्ट बोलते हैं। तो पोर्ट की पहले डिफिनेशन क्लियर होने, टू पोर्ट तो हम बाद में पढ़ेंगे सर, हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके। हाँ बेटा रविंद, हिंदी और इंग्लिश में मिक्स करके ही बता रहा हूं, मैंने हिंदी में पूरी डिफिनेशन बताई है, आपको मेरा भावार्थ समझ में आना चाहिए कि आपके जो है दो ऐसे टर्मिनल जिसमें से एक टर्मिनल से जितना करंट इंटर करे दूसरे ही टर्मिनल से उतना करंट लीव कर जाए, ऐसे पेयर ऑफ टर्मिनल को आप हमेशा क्या बोलेंगे, पोर्ट बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो पोर्ट की डिफिनेशन हो गई। अब पोर्ट के हिसाब से कितने टाइप के नेटवर्क हमारे होते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट बेटा हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन द पोर्ट। पोर्ट के हिसाब से कितने टाइप के नेटवर्क होते हैं, तो पोर्ट के हिसाब से अगर आप नेटवर्क को क्लासिफिकेशन करने जाएंगे तो तीन टाइप के आपको नेटवर्क मिलेंगे, एक होगा सिंगल पोर्ट नेटवर्क, एक होगा टू पोर्ट नेटवर्क और तीसरा होगा मल्टी पोर्ट नेटवर्क। ठीक है, यहां तक लिख लीजिए, आराम से ही पढ़ा रहा हूं जिससे कि आप लोग प्रॉपर तरीके से लिख पाए। इसी के भी कुछ बच्चे हैं जो कि मुझसे पहली बार पढ़ रहे होंगे, चीजें बेटा आपको आराम से समझ में आ जाएगी, घबराइएगा नहीं। अगर कोई भी डाउट होता है द इंजीनियर होस्ट वाले पे आप उसको मैसेज कर देंगे, मैं आपको तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत होती है घबराइएगा नहीं, आपको हर एक चीज बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वालों को मैं पढ़ाता हूँ तो इलेक्ट्रिकल वाले मुझसे फेमिलियर होंगे, कोई भी आपका डाउट जो आपके मन में होगा वो आपके मन में आने से पहले ही हम डिस्कस कर लेंगे, जैसे ही टॉपिक खत्म होगा आपके सारे के सारे जो डाउट होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए बेटा, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन पोर्ट। पोर्ट के हिसाब से जो नेटवर्क होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो पोर्ट के हिसाब से बेटा आपके तीन टाइप के नेटवर्क आपको मिलेंगे। एक होगा सर, ये टॉपिक ट्रांसमिशन का है,
आशीष, ये टॉपिक आपका जो है बेसिक इलेक्ट्रिकल का है, लेकिन ट्रांसमिशन पढ़ाने के लिए मुझे ये टॉपिक आपको आना चाहिए, क्योंकि डिप्लोमा में आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, तो ट्रांसमिशन स्टार्ट करने से पहले ये टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ईसी वालों को भी मैं बता देता हूँ कहाँ यूज आएगा। ईसी वालों में जब आप एनालॉग पढ़ेंगे और एनालॉग में बीजेटी पढ़ेंगे तो आपको वहां पर टू पोर्ट नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बीजेटी आपके एक टू पोर्ट नेटवर्क सर्किट है। अभी डिस्कस करेंगे कैसे टू पोर्ट नेटवर्क सर्किट है, ठीक है। तो वहां पर ईसी वालों को एनालॉग में जरूरत पड़ेगी और आपके इलेक्ट्रिकल वालों को ट्रांसमिशन में जरूरत पड़ेगी, इसलिए इस टॉपिक को पढ़ाया जाता है। देखेंगे बेटा, बेस्ड ऑन द पोर्ट, देखिए बेस्ड ऑन द पोर्ट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द नेटवर्क एग्जिस्ट। अगर मैं पोर्ट पे बात करूं तो पोर्ट के हिसाब से तीन टाइप के नेटवर्क एग्जिस्ट करते हैं। पहला होता है सिंगल पोर्ट नेटवर्क। दूसरा होता है बेटा टू पोर्ट नेटवर्क। और तीसरा होता है बेटा मल्टी पोर्ट नेटवर्क। आपके पोर्ट के हिसाब से तीन टाइप के आपके नेटवर्क होते हैं। पहला होता है सिंगल पोर्ट नेटवर्क, दूसरा होता है टू पोर्ट नेटवर्क और तीसरा होता है मल्टी पोर्ट नेटवर्क। नाउ अगर मैं बात करूं कि सिंगल पोर्ट नेटवर्क कैसा होता है, तो सिंगल पोर्ट नाम से ही आपको मालूम है कि इस नेटवर्क में केवल एक ही आपका पोर्ट होने वाला है, और एक पोर्ट में कितने टर्मिनल होते हैं, दो टर्मिनल। मतलब आपके सिंगल पोर्ट नेटवर्क में आपके पास एक ही पोर्ट होगा, और एक पोर्ट में कितने टर्मिनल होते हैं, दो टर्मिनल। एक टर्मिनल से जितना करंट इंटर करता है उतना ही करंट आपका क्या करता है, लीव करता है। अब आप देखेंगे सिंगल पोर्ट नेटवर्क में जो आपके पोर्ट या फिर दो टर्मिनल होंगे वो इनपुट साइड भी हो सकते हैं और आउटपुट साइड भी हो सकते हैं, लेकिन आपका जो पोर्ट होगा वो केवल एक ही पोर्ट होने वाला है, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो सिंगल पोर्ट नेटवर्क की एग्जांपल है जनरेटर एंड मोटर आर द एग्जांपल ऑफ द सिंगल पोर्ट नेटवर्क, ठीक है। तो चलो इनको मैं थोड़ा सा आपको बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए विनोद, आप लेट के पढ़ रहे हैं, डबल ई विनोद 2021, ठीक है, लेट के पढ़ाई नहीं होती है। नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे बेटा सिंगल पोर्ट नेटवर्क। पोर्ट की डिफिनीशन आपको क्लियर है, दैट इज पोर्ट में हमेशा दो पेयर ऑफ टर्मिनल होंगे। पेयर का मतलब होगा जोड़ा, टर्मिनल, दो टर्मिनल होने वाले हैं पोर्ट में, और उस टर्मिनल की आपकी खासियत क्या होगी, जितना भी करंट एक टर्मिनल से इन करेगा उतना ही करंट दूसरे टर्मिनल से आउट करेगा, ठीक है। तो सिंगल पोर्ट की अगर मैं बात करूं, सिंगल पोर्ट नेटवर्क कैसा होता है, तो नेटवर्क है, नेटवर्क इज नथिंग बट द इंटरकनेक्शन ऑफ कंपोनेंट, और इंटरकनेक्शन ऑफ कंपोनेंट में मैं कैसे कंपोनेंट मान रहा हूं, लीनियर पैसिव बाइलेटरल नेटवर्क है, और इसमें आपका जो है ये सिंगल पोर्ट नेटवर्क को अगर रिप्रेजेंट करा तो एक ही पोर्ट होने वाला है, वो पोर्ट इनपुट साइड भी हो सकता है और आउटपुट साइड भी हो सकता है, लेकिन आपके पोर्ट केवल दो ही होंगे, ठीक है। तो अगर मैं दिखाना चाहूं दैट इज सिंगल पोर्ट नेटवर्क का मॉडल कैसा दिखेगा, तो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। सिंगल पोर्ट को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नाउ आई कैन बी कंसीडर ए नेटवर्क, सिंगल पोर्ट नेटवर्क, ये सिंगल पोर्ट नेटवर्क है, इसमें कैसे एलिमेंट लगे हैं, लीनियर कॉमा पैसिव एंड बाइलेटरल, दैट इज द बाइलेटरल एलिमेंट, ठीक है। तो आपके पास देखेंगे आपका वन पोर्ट नेटवर्क में जो पोर्ट होगा, पोर्ट आपका क्या हो सकता है, पेयर ऑफ टर्मिनल, वो पेयर ऑफ टर्मिनल इनपुट साइड भी हो सकते हैं या फिर आउट
आउटपुट साइड भी हो सकते हैं, इनपुट साइड भी पेयर ऑफ टर्मिनल हो सकते हैं या फिर आउटपुट साइड भी पेयर ऑफ टर्मिनल होते हैं। तो सिंगल पोर्ट नेटवर्क में या तो आपके पास इनपुट साइड पे पोर्ट होंगे या फिर आपके पास आउटपुट साइड पे आपके पास पोर्ट प्रेजेंट होगा। पोर्ट मतलब पेयर ऑफ टर्मिनल, ठीक है। तो मैं आपको जो है यहां पर दोनों दिखा देता हूं। दिस इज नथिंग बट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल पोर्ट नेटवर्क। यहां पर मेरे पास जो पोर्ट है, पोर्ट मतलब पेयर ऑफ टर्मिनल, वो किस साइड है? इनपुट साइड है, ठीक है। दिस इज द पेयर ऑफ टर्मिनल, कहां पर है? इनपुट साइड। ये मेरा क्या है? अच्छा, आप देखेंगे इनपुट साइड मेरे पास ये पोर्ट है, पोर्ट मतलब दो पेयर ऑफ टर्मिनल। अब वोल्टेज भी मैं मान ले तो इनपुट साइड वोल्टेज की जो रेफरेंस पोलैरिटी होती है, आपके वन पोर्ट नेटवर्क में आपके पास दो, आपके पास क्या है बेटा? दो टर्मिनल है, दो पेयर ऑफ टर्मिनल है। और इन दोनों टर्मिनल की खासियत है, अगर ये पोर्ट है तो जितना करंट आपके एक टर्मिनल से इंटर करेगा उतना ही लीव करेगा, ठीक है। तो बेटा आप देखेंगे वन पोर्ट नेटवर्क में आपके पास ये पेयर ऑफ पोर्ट है और इस पेयर ऑफ पोर्ट में वोल्टेज और करंट की मैं रेफरेंस डायरेक्शन दिखा रहा हूं। मतलब जब भी आपके पास एक वन पोर्ट नेटवर्क होगा तो उसमें वोल्टेज और करंट हमेशा इसी डायरेक्शन में आप मानेंगे। कुछ भी चीज अगर पूछेगा तो वोल्टेज और करंट की पोलैरिटी आप हमेशा ही मानेंगे, डायरेक्शन एंड पोलैरिटी। तो दैट इज वन पोर्ट नेटवर्क में जो आपका दिस इज द पोर्ट, पोर्ट मीन्स पेयर ऑफ टर्मिनल, दो टर्मिनल है। लेकिन इन दो टर्मिनल की खासियत क्या है? जितना भी करंट आपके एक टर्मिनल से इंटर करेगा उतना ही करंट आपका लीव करेगा। इनपुट पोर्ट है केवल आपके पास, इनपुट पोर्ट, इनपुट साइड हमेशा वोल्टेज में मानूंगा V1, इनपुट साइड में हमेशा वोल्टेज मानूंगा V1, और बेटा करंट हमेशा मानूंगा इनपुट पोर्ट में, करंट हमेशा एक टर्मिनल में मैं I1 करंट मानूंगा, क्योंकि ये पोर्ट है। अगर एक टर्मिनल से I करंट इंटर करेगा तो दूसरे टर्मिनल से कितना करंट लीव करेगा? I करंट ही लीव करेगा। तो दिस इज नथिंग बट द वन पोर्ट नेटवर्क। और ये जो पोर्ट है वो आपके किस साइड प्रेजेंट है? इनपुट पोर्ट है। दिस इज नथिंग बट द इनपुट साइड प्रेजेंट है, तो दिस इज इनपुट पोर्ट, ठीक है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ दैट इज वन पोर्ट नेटवर्क या फिर सिंगल पोर्ट नेटवर्क। ये भी आपके सिंगल पोर्ट नेटवर्क का रिप्रेजेंटेशन, या फिर ऐसा भी हो सकता है सिंगल पोर्ट। दिस इज ए नेटवर्क, दिस इज ए नेटवर्क, सिंगल पोर्ट नेटवर्क। सिंगल पोर्ट नेटवर्क में या तो आपके पेयर ऑफ टर्मिनल, जिनको हम पोर्ट बोल रहे हैं, वो आपके इनपुट साइड प्रेजेंट होंगी या फिर आउटपुट साइड। ये जो नेटवर्क है दिस इज ए लीनियर कॉमा पैसिव एंड बाइलेटरल एलिमेंट। ठीक है, और आपके जो पोर्ट है या फिर पेयर ऑफ टर्मिनल है, इस बार किस साइड प्रेजेंट है बेटा? आउटपुट साइड प्रेजेंट है। दिस इज द आउटपुट, आउटपुट पोर्ट पे या फिर आपके पास जो आउटपुट टर्मिनल होंगे, जब भी आप आउटपुट पोर्ट है, दिस इज द आउटपुट पोर्ट, दिस इज आउटपुट पोर्ट, आउटपुट पोर्ट, आउटपुट पोर्ट पे जब भी आपके पास एक सिंगल पोर्ट नेटवर्क होगा, अगर उसमें आउटपुट पोर्ट प्रेजेंट है, तो आउटपुट पोर्ट पे आप वोल्टेज की पोलैरिटी हमेशा मानेंगे प्लस माइनस V2। आउटपुट वोल्टेज को आप V2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बेटा आउटपुट करंट को I2 से रिप्रेजेंट करते हो। करंट हमेशा क्या होता है? एक टर्मिनल से इन करता है, उतना ही करंट आपका दूसरे टर्मिनल से लीव करता है। तो आउटपुट करंट को मैं आपका I2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आउटपुट करंट को आप I2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपका, क्योंकि ये आपके पेयर ऑफ टर्मिनल, ये पेयर ऑफ टर्मिनल पोर्ट है। जितना करंट बेटा एक टर्मिनल से इन करेगा उतना ही करंट आपका क्या करेगा? लीव करेगा, तभी ये क्या कहलाएंगे? पोर्ट कहलाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल पोर्ट नेटवर्क। ये भी आपका क्या है? ये भी आपका रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगल पोर्ट नेटवर्क को। सिंगल पोर्ट नेटवर्क को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिंगल पोर्ट नेटवर्क में या तो आपके पास इनपुट पोर्ट होगा या फिर आपके पास आउटपुट पोर्ट होगा। इनपुट पोर्ट में जब आप वोल्टेज और करंट मानेंगे, इनपुट पोर्ट के वोल्टेज को आप V1 से रिप्रेजेंट करते हैं और इनपुट पोर्ट के करंट को आप I1 से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं अगर आपके पास सिंगल पोर्ट नेटवर्क में आउटपुट पोर्ट है, तो आउटपुट पोर्ट के वोल्टेज को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा? V2 से रिप्रेजेंट करूंगा, और बेटा आउटपुट पोर्ट के एक टर्मिनल के करंट को आप I2 से रिप्रेजेंट करूंगा। तो जब भी आपको इनपुट पोर्ट पे वोल्टेज मानना होगा,
तो वोल्टेज कैसा मानेंगे, दैट इज वोल्टेज V1 मानेंगे, पोलैरिटी प्लस माइनस। और बेटा इनपुट पोर्ट पे आप जब करंट मानेंगे तो कितना करंट मानेंगे, I1। आउटपुट पोर्ट में वोल्टेज कैसा मानते हैं, वोल्टेज क्या मानते हैं, V2। और बेटा आउटपुट पोर्ट पे जब आप करंट मानेंगे, दैट इज नथिंग बट द रिप्रेजेंटेड बाय I। ठीक है, तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वन पोर्ट नेटवर्क। वन पोर्ट नेटवर्क में या तो आपके पास इनपुट पोर्ट होगा या फिर आपके पास आउटपुट पोर्ट होगा। ठीक है, तो ऐसे नेटवर्क आपके क्या कहलाते हैं, सिंगल पोर्ट नेटवर्क। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो सिंगल पोर्ट के एग्जाम्पल होते हैं मोटर और जनरेटर। अभी मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। पहले मैं तीनों आपके जो है सर्किट या फिर नेटवर्क को आपको बना के दिखा देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा लिखिए बेटा, सेकेंड टू पोर्ट नेटवर्क। टू पोर्ट नेटवर्क, टू पोर्ट नेटवर्क में कितने पोर्ट होंगे बेटा, दो पोर्ट होंगे, एक इनपुट पोर्ट कहलाएगा दूसरा आउटपुट पोर्ट कहलाएगा। आपके टू पोर्ट नेटवर्क में कितने पोर्ट होंगे, दो पोर्ट होंगे, एक तो इनपुट साइड पे पोर्ट होगा, एक आउटपुट साइड पे पोर्ट होगा। इनपुट साइड पे अगर एक पोर्ट होगा तो एक पोर्ट में दो टर्मिनल, आउटपुट साइड पे भी एक पोर्ट होगा, कितना टर्मिनल, दो टर्मिनल, तो टोटल कितने टर्मिनल होंगे, चार टर्मिनल। एक इनपुट साइड पे एक पोर्ट होगा, दूसरा आउटपुट साइड पे पोर्ट होगा। तो ऐसे सर्किट जिसमें आपके पास क्या होंगे बेटा, दो पोर्ट होंगे या फिर पेयर ऑफ पोर्ट बोल सकते हैं। पेयर ऑफ पोर्ट का मतलब पोर्ट का पेयर, मतलब दो पोर्ट होंगे। दो पोर्ट अगर आपके सर्किट में है तो दैट इज कॉल्ड द टू पोर्ट नेटवर्क। बेटा इसमें थ्योरी नहीं है, ये मैं अभी आपको कल बता रहा हूं कि नेटवर्क को कैसे पहचानते हैं, कौन सा आपका वन पोर्ट नेटवर्क है, कौन सा टू पोर्ट नेटवर्क है। ठीक है, बाकी जहां भी थ्योरी की रिक्वायरमेंट होगी हर एक चीज लिखवाऊंगा। ठीक है ममता, चलिए टू पोर्ट नेटवर्क में क्या होगा, टू पोर्ट नेटवर्क में आपका जो टू पोर्ट नेटवर्क होगा उसमें दो पोर्ट होंगे, एक पोर्ट को हम बोलेंगे इनपुट पोर्ट और दूसरे पोर्ट को बोलेंगे आउटपुट पोर्ट। ठीक है, तो चलिए टू पोर्ट नेटवर्क कैसा दिखेगा। टू पोर्ट नेटवर्क जो होता है उसके अंदर जो कंपोनेंट लगे होते हैं, अंदर जो कंपोनेंट लगे कैसे लगे अभी मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन टू पोर्ट नेटवर्क के अंदर जितने भी एलिमेंट लगे होंगे वो सारे के सारे लीनियर होंगे। दूसरा पैसिव होंगे, मतलब एनर्जी को कंज्यूम करेंगे, लीनियर मतलब आपका जो है कौन सी सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। दूसरा पैसिव होंगे, एनर्जी को कंज्यूम करेंगे। तीसरा बाइलेटरल होंगे, दोनों साइड आपके एलिमेंट में करेंट। तो ये ऐसे एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, नॉर्मली RLC एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपके पास जो नेटवर्क होगा उसके अंदर लीनियर पैसिव नेटवर्क होगा, बाइलेटरल नेटवर्क, दिस इज ए लीनियर लीनियर कॉमा पैसिव एंड बाइलेटरल एलिमेंट होगा। और टू पोर्ट नेटवर्क में दो पोर्ट होते हैं, एक तो इनपुट साइड पोर्ट होता है, इनपुट साइड जो पोर्ट होता है उसको हम बोलते हैं इनपुट पोर्ट। इनपुट साइड जो पोर्ट होता है उसको हम बोलते हैं इनपुट पोर्ट, या फिर इसको आप पोर्ट वन भी बोल सकते हैं, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, पोर्ट वन। और एक पोर्ट आपका आउटपुट साइड पे होगा, एक पोर्ट आपका आउटपुट साइड पे होगा, आउटपुट साइड के पोर्ट को आप पोर्ट टू भी बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज दो पोर्ट होंगे, एक को आप पोर्ट वन और दूसरे को पोर्ट टू बोल सकते हैं, या फिर इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धीमे धीमे समझते जाएंगे सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी, या फिर आप इसको पोर्ट टू बोल सकते हैं। इनपुट पोर्ट पे जब भी आपको वोल्टेज और करंट मानना होगा, ध्यान से देखिए, इनपुट पोर्ट पे हमेशा वोल्टेज क्या मानते हैं, V1, पोलैरिटी हमेशा ऐसी रखते हैं, हेलो पोलैरिटी ऊपर वाले में प्लस नीचे वाले में माइनस। आपको जब पोलैरिटी माननी होती है या फिर कभी भी किसी टू पोर्ट नेटवर्क में जब इनपुट और आउटपुट पोर्ट पे आप वोल्टेज और करंट मानेंगे तो यही पोलैरिटी मानेंगे, दैट इज ऊपर प्लस नीचे माइनस। इनपुट पोर्ट में वोल्टेज होता है V1, पोलैरिटी ऊपर प्लस माइनस। ठीक है, और करंट कितना मानते हैं, दैट इज I1। चूंकि ये पोर्ट है, एक टर्मिनल से जितना करंट इन करेगा उतना ही करंट क्या करेगा, आउट करेगा, उतना ही करंट क्या करेगा, आउट करेगा।
आपका, चूंकि ये पेयर ऑफ टर्मिनल पोर्ट है तो एक टर्मिनल से मैंने जितना करंट इन कराया उतना ही करंट दूसरे टर्मिनल से क्या करेगा आउट, तब ये दोनों टर्मिनल पेयर ऑफ टर्मिनल पोर्ट है, तो ये आपका पोर्ट वन है या फिर इनपुट पोर्ट है। इनपुट पोर्ट पे हमेशा वोल्टेज कैसा मानेंगे, प्लस माइनस वी वन, और करंट कितना मानेंगे आई वन। आउटपुट पोर्ट पे आप वोल्टेज कितना मानेंगे, आउटपुट वोल्ट पे वोल्टेज मानेंगे वी टू, ऊपर प्लस नीचे माइनस, और बेटा करंट कितना मानते हैं आउटपुट पोर्ट पे, दैट इज आई टू। एक टर्मिनल से, चूंकि ये पेयर ऑफ पोर्ट है, एक टर्मिनल से जितना करंट इन करेगा उतना ही दूसरे टर्मिनल से आउट करेगा। दिस इज द रेफरेंस पोलैरिटी एंड रेफरेंस करंट डायरेक्शन इन टू पोर्ट नेटवर्क। टू पोर्ट नेटवर्क में हमेशा कितने पोर्ट होंगे, दो पोर्ट होंगे। आप एक साइड के पोर्ट को पोर्ट वन बोल सकते हैं, दूसरी साइड के पोर्ट को पोर्ट टू बोल सकते हैं, या फिर एक साइड के पोर्ट को आप इनपुट पोर्ट बोल सकते हैं और एक साइड के पोर्ट को आप आउटपुट पोर्ट बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे मल्टी पोर्ट नेटवर्क कैसा होता है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। टू पोर्ट नेटवर्क में दो पोर्ट होंगे, सिंगल पोर्ट नेटवर्क में एक ही पोर्ट होगा। सिंगल पोर्ट नेटवर्क में एक ही पोर्ट होगा, या तो वो इनपुट साइड होगा या फिर आपका आउटपुट साइड होगा। वहीं टू पोर्ट नेटवर्क में आपके पास दो पोर्ट होंगे, दैट इज एक इनपुट साइड और दूसरा आउटपुट साइड। मल्टी पोर्ट नेटवर्क में दो से ज्यादा पोर्ट होंगे, दो से ज्यादा कितने हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं। तो अगर किसी भी नेटवर्क में दो से ज्यादा पोर्ट है, दो से ज्यादा मतलब तीन चार पांच, तो वो हमेशा किस कैटेगरी में आने वाला है, मल्टी पोर्ट नेटवर्क की कैटेगरी में आने वाला है। तो तीसरा लिखेंगे बेटा, दैट इज थर्ड, मल्टी पोर्ट नेटवर्क। मल्टी पोर्ट नेटवर्क, अगर किसी भी नेटवर्क में दो से ज्यादा पोर्ट है, दो से ज्यादा पोर्ट है, तो दैट इज नोन एज ए मल्टी पोर्ट नेटवर्क। लिख देता हूं यहां पर, इफ एनी नेटवर्क हैविंग मोर देन टू पोर्ट, अगर किसी भी नेटवर्क में दो से ज्यादा पोर्ट है, देन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज नोन एज मल्टी पोर्ट नेटवर्क। अच्छा, टू पोर्ट नेटवर्क के एग्जाम्पल क्या है, टू पोर्ट नेटवर्क में एक एग्जाम्पल है, एक तो आपका ट्रांसफॉर्मर इज ए टू पोर्ट नेटवर्क, ट्रांजिस्टर या फिर बीजेटी इज ऑल्सो ए टू पोर्ट नेटवर्क, एंड ट्रांसमिशन लाइन इज ऑल्सो ए टू पोर्ट नेटवर्क। पंकज यादव, दोनों करंट आई टू क्यों लिख रखे हैं? हाँ बेटा, यहां पर देखिए, मैंने बताया था ये क्या है, एक पेयर ऑफ पोर्ट है। अब ये दोनों टर्मिनल पोर्ट है, तो जितना करंट एक टर्मिनल से इन करेगा उतना ही करंट दूसरे टर्मिनल से आउट करेगा, तभी तो ये पोर्ट कहलाएगा। एक पोर्ट ये है, दूसरा पोर्ट ये है। पोर्ट की डिफिनीशन है, पोर्ट इज नथिंग बट ए पेयर ऑफ टर्मिनल, और इन पेयर ऑफ टर्मिनल की क्या प्रॉपर्टी है कि एक टर्मिनल से जितना करंट इन करेगा उतना ही आउट करेगा। अभी मैं बताऊंगा एग्जाम्पल, ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, पेशेंस रखें, ठीक है। क्योंकि ये दोनों टर्मिनल आपके क्या है, पोर्ट है। पोर्ट, पोर्ट की डिफिनीशन ही होती है कि ऐसे दो टर्मिनल जिसमें एक टर्मिनल से आई करंट इंटर करेगा तो दूसरे से उतना ही करंट लीव करेगा, ठीक है। चलो, नाउ मल्टी पोर्ट नेटवर्क, दो से ज्यादा अगर पोर्ट है आपके नेटवर्क में तो मल्टी पोर्ट होगा। तो मल्टी पोर्ट का सर्किट डायग्राम कैसा होगा, नाउ आई कैन बी कंसीडर ए नेटवर्क, और जनरली नेटवर्क आर एल सी कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। कोई भी नेटवर्क जनरली आर एल सी से मिलकर बना होता है। आर एल सी कैसे, लीनियर पैसिव बाइलेटरल नेटवर्क। तो नाउ आई कैन बी कंसीडर ए लीनियर कॉमा पैसिव एंड बाइलेटरल एलिमेंट है। इसके अंदर लीनियर एक्टिव बाइलेटरल नेटवर्क मतलब RLC कैसे लगे हैं, मुझे अभी कोई लेना देना नहीं। अब अगर ये मल्टी पोर्ट नेटवर्क है तो इसमें आपके दो से ज्यादा पोर्ट होंगे, तो दिस इज द पोर्ट नंबर वन, दिस इज पोर्ट नंबर वन। अगर बेटा ये पोर्ट है, इसको मैंने पोर्ट बोल दिया, इस पेयर ऑफ टर्मिनल को पोर्ट बोल दिया, तो एक टर्मिनल से जितना करंट इंटर करेगा उतना ही लीव करेगा। क्योंकि ये पोर्ट नंबर वन है, पोर्ट नंबर वन में मैं आपका वोल्टेज मान लेता हूँ V1 और करंट मान लेता हूँ I1। अगर पोर्ट वन में I1 करंट फ्लो करा तो एक टर्मिनल से
अगर आई वन करेंट इन करेगा तो उतना ही करेंट आपका दूसरे टर्मिनल से क्या करेगा, लीव करेगा, ठीक है। दिस इज द पोर्ट नंबर वन। नाउ दिस इज द पोर्ट नंबर टू, दिस इज द पोर्ट नंबर टू, दिस इज पोर्ट टू। अगर ये पोर्ट टू है, पोर्ट टू के टर्मिनल वोल्टेज को आप वी टू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और बेटा पोर्ट टू के टर्मिनल वोल्टेज को वी टू से रिप्रेजेंट करें और टर्मिनल करंट को आई टू से रिप्रेजेंट करें। एक टर्मिनल से, चूंकि ये पोर्ट है, पेयर ऑफ टर्मिनल, इसको मैंने पोर्ट बोला है, तो ये पेयर ऑफ टर्मिनल अगर पोर्ट है तो इसकी प्रॉपर्टी एक टर्मिनल से जितना करंट इन करेगा दूसरे टर्मिनल से उतना ही करंट आउट करेगा। तो अगर मैंने पोर्ट टू के एक टर्मिनल से आई टू करंट इंटर करें तो दूसरे टर्मिनल से आई टू करंट क्या करेगा, लीव करेगा। नाउ दिस इज द पोर्ट नंबर थ्री, दिस इज द पोर्ट नंबर थ्री, इसको मैं बोल रहा हूँ ये पोर्ट नंबर थ्री है। दो से ज्यादा पोर्ट है तो ये जो नेटवर्क है वो मल्टी पोर्ट नेटवर्क है। पोर्ट नंबर थ्री पे टर्मिनल वोल्टेज मैंने माना है कितना, वी थ्री, और टर्मिनल करंट माना है आई थ्री। और चूंकि ये पेयर ऑफ टर्मिनल पोर्ट है, तो एक टर्मिनल से जितना करंट इंटर करेगा उतना ही करंट दूसरे टर्मिनल से क्या भी करेगा, लीव करेगा, ठीक है। आई थ्री, पोर्ट थ्री में मैंने टर्मिनल करंट माना है आई थ्री, जितना करंट आपका इंटर किया है एक टर्मिनल से उतना ही करंट लीव किया। सब थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, कर देता हूं बेटा, चलिए नोट कर लीजिए। दिस इज नथिंग बट द आपका मल्टी पोर्ट नेटवर्क। दो से ज्यादा पोर्ट है तो दिस इज मल्टी पोर्ट। दो से ज्यादा पोर्ट जिस भी टर्मिनल में, जिस भी नेटवर्क में होंगे उसको आप मल्टी पोर्ट नेटवर्क की कैटेगरी रखेंगे। तीन पोर्ट भी हो सकते हैं, चार पोर्ट भी हो सकते हैं, पांच पोर्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ एक ब्लॉक डायग्राम बताया है कि आपका जो है वन पोर्ट नेटवर्क कैसा होता है, टू पोर्ट नेटवर्क कैसा होता है, थ्री पोर्ट नेटवर्क। वन पोर्ट नेटवर्क में केवल एक ही पोर्ट होगा, टू पोर्ट नेटवर्क में दो पोर्ट होंगे, और आपके मल्टी पोर्ट नेटवर्क में दो से ज्यादा, तीन चार पांच कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल है। अब जरा हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल ऑफ सिंगल पोर्ट नेटवर्क, एग्जाम्पल ऑफ सिंगल पोर्ट। पहले मैं आपको सिंगल पोर्ट का एग्जाम्पल बताऊंगा, उसके बाद आपके पास टू पोर्ट नेटवर्क एग्जाम्पल बताऊंगा। आपको देखना है, जो चीज मैं बता रहा हूँ वो आपको जो है विजुलाइज होनी चाहिए, कहीं ना कहीं आपने पढ़नी है सारी चीजें, ठीक है। बस आपको ध्यान दिलाने की जरूरत है, पेशेंस रखते हुए पढ़ेंगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ऐसा टॉपिक है जिसको आज से पहले आपने ना तो कभी सुना है ना तो कभी आपने पढ़ा है। ऐसी चीज जो आप पहली बार देख रहे हैं तो उसको कंसंट्रेट होके समझना है, ठीक है। मेरे ख्याल से लिख लिया होगा, आगे बढ़े, मेरे ख्याल से आपने लिख लिया होगा, आगे बढ़े। चलिए डन कर दिया। अच्छा यहां पर लिख लीजिए, टू पोर्ट नेटवर्क में कितने पोर्ट होंगे, इन टू पोर्ट नेटवर्क, अगर किसी सर्किट में केवल दो पोर्ट है तो उसको बोलेंगे टू पोर्ट नेटवर्क। यहां लिखना चाहिए मल्टी पोर्ट नेटवर्क में इनपुट पोर्ट कौन सा होगा। बेटा मल्टी पोर्ट नेटवर्क में इनपुट और आउटपुट नहीं बताते हैं, ठीक है। मल्टी पोर्ट नेटवर्क में पोर्ट वन, पोर्ट टू, पोर्ट थ्री, आपने मान लीजिए इनपुट आपने क्या किया, पोर्ट वन पे अप्लाई किया, आउटपुट आप पोर्ट टू पे भी ले सकते हैं, पोर्ट थ्री पे भी ले सकते हैं, ठीक है। ऋषभ सुनिए जो मैं बता रहा हूँ, मल्टी पोर्ट में आप किसी भी पोर्ट में आप इनपुट दीजिए तो आउटपुट आप क्या कर सकते हैं, आप अगर मैं पोर्ट थ्री पे इनपुट दे रहा हूं तो आउटपुट आप पोर्ट वन या फिर पोर्ट टू पे ले सकते हैं, या फिर इनपुट आप दो पोर्ट में दीजिए तो आउटपुट आप तीसरे पोर्ट में ले सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है, आपका जो है एक से ज्यादा इनपुट आप दे सकते हैं, तीन पोर्ट है यहाँ इनपुट दे सकते हैं तो आउटपुट आप यहाँ मेजर कर सकते हैं, या फिर अगर आप दो पोर्ट में इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट आप तीसरे पोर्ट में मेजर कर सकते हैं। इसलिए हमने इनपुट और आउटपुट ऐसा कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। किसी भी पोर्ट में आप इनपुट दे सकते हैं, किसी भी पोर्ट में आउटपुट दे सकते हैं, ठीक है। चलिए यहां पर लिख लीजिए, टू पोर्ट की अगर डेफिनेशन लिखना चाहे, ऐसा नेटवर्क जिसमें कितने पोर्ट होंगे, दो पोर्ट, ऐसे नेटवर्क को आप क्या बोलने वाले, टू पोर्ट नेटवर्क। तो लिखेंगे इफ एनी नेटवर्क, इफ एनी नेटवर्क हैविंग ओनली टू पोर्ट, टू पोर्ट, then this type of network is known as two port network, ठीक है।
कुछ लोग बोल रहे थे थ्योरी लिखा दीजिए, तो थ्योरी में बस इतना ही है कि अगर किसी भी नेटवर्क में केवल और केवल दो पोर्ट है, हाँ मल्टीपोर्ट नेटवर्क ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है बेटा, ठीक है। मल्टीपोर्ट नेटवर्क एग्जाम्पल आपने सुपर पोजिशन में किया था, अभी मैं याद दिलाऊंगा आपको, थोड़ा सा पेशेंस रखे रविंद्र कुमार, ठीक है, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको बोलता हूँ ज्यादा मेरे से पढ़ने के बाद आपका डाउट नहीं रहेगा, टेक द पेशेंस ना। टू पोर्ट नेटवर्क की डेफिनेशन है कि ऐसा नेटवर्क जिसमें केवल और केवल दो पोर्ट होंगे, ऐसा नेटवर्क आपका क्या कहलाएगा, टू पोर्ट नेटवर्क। सिंगल पोर्ट में ऐसा नेटवर्क जिसमें केवल एक पोर्ट होगा उसको बोलेंगे सिंगल पोर्ट नेटवर्क। तो लिखेंगे इफ, लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, इफ एनी नेटवर्क हैविंग ओनली वन पोर्ट देन दिस टाइप of network is known as single port network. Single port network. अभी example देता हूं, समझ में आ जाएगा। राज रानी जी करें थोड़ा सा ऊपर कर दे, ठीक है बेटा ऊपर कर रहा हूं, रुक जाइए। क्लियर है बेटा आपको, सिंगल और टू पोर्ट की डेफिनेशन लिख लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, आराम से पढ़ेंगे क्योंकि आप जिंदगी में पहली बार ये टॉपिक पढ़ रहे हैं और इस टॉपिक का आप जब आगे पढ़ेंगे तो यूज होगा, आगे आपको कोई बताएगा नहीं, इसलिए यहीं पर सारी की सारी चीजें आप पढ़ लेंगे। अब आप हेडिंग डालिए एग्जाम्पल ऑफ सिंगल पोर्ट नेटवर्क, सिंगल पोर्ट नेटवर्क एग्जाम्पल। मेरे ख्याल से लिख लिया होगा, आगे चले, मेरे ख्याल से आपने लिख लिया होगा, आगे चल सकते हैं। चलिए हेडिंग डालिए एग्जाम्पल ऑफ सिंगल पोर्ट नेटवर्क। और अभी जब मैं आपको बताऊंगा सिंगल पोर्ट के एग्जाम्पल और आपसे पूछूंगा तो आप सिंगल पोर्ट नेटवर्क नेटवर्क में पढ़ चुके हैं लेकिन आपने याद नहीं दिया, ध्यान नहीं रखा। अभी मैं धीरे धीरे आपको सारी चीजें याद दिलाना चाहूंगा। टू पोर्ट नेटवर्क अभी आपने लिखा नहीं है बेटा राजवानी, दिखा रहा हूं, ठीक है एक मिनट थोड़ा सा वेट कर लेंगे, ठीक है। टू पोर्ट नेटवर्क आपको दिखा दिया, नोट कर लीजिए, जल्दी लिखे बेटा थोड़ा सा। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, वन पोर्ट के सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जनरेटर और आपका मोटर, मोटर एंड जनरेटर आर द एग्जाम्पल ऑफ वन पोर्ट नेटवर्क। अभी ध्यान से दीजिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे एग्जाम्पल है। मोटर आपका, जो मोटर होता है उसमें आपके वन पोर्ट नेटवर्क होता है और उसमें इनपुट पोर्ट होता है, ठीक है। इनपुट साइड पे पोर्ट होते हैं, पेयर ऑफ टर्मिनल, जिनमें आपका सेम करंट फ्लो करेगा, एक से जितना इन करेगा उतना ही आउट करेगा। उसी तरह जनरेटर आपका सिंगल पोर्ट नेटवर्क है लेकिन उसमें आपके जो टर्मिनल्स होते हैं, फिर जो पोर्ट होते हैं, पेयर ऑफ टर्मिनल जिनको हम पोर्ट बोलते हैं, वो आउटपुट साइड पे होते हैं, ठीक है। चलिए मेरे ख्याल से हो गया होगा बेटा, चलिए एग्जाम्पल लिखिए, ठीक है, दैट इज सिंगल पोर्ट नेटवर्क का एग्जाम्पल। तो पहला हम लोग बात कर रहे हैं, अब सिंगल पोर्ट नेटवर्क में जो पोर्ट है वो इनपुट साइड भी हो सकते हैं और आउटपुट साइड भी हो सकते हैं। तो पहले मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिंगल पोर्ट नेटवर्क आर जनरेटर कॉमा मोटर एक्सेट्रा, ठीक है। अब पहला एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूं सिंगल पोर्ट में,
सिंगल पोर्ट में जो पोर्ट है वो इनपुट साइड हो सकता है या फिर आउटपुट साइड हो सकता है। तो पहला एग्जांपल है दैट इज आपका जो है जो सिंगल पोर्ट नेटवर्क है उसमें आपकी जो पोर्ट है या फिर पेयर ऑफ टर्मिनल है वो इनपुट साइड पे है, ठीक है। तो पहले हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज सिंगल पोर्ट का एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, सिंगल पोर्ट नेटवर्क के एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। लेकिन ये सिंगल पोर्ट नेटवर्क में जो आपका पेयर ऑफ पोर्ट है वो कहां पर है बेटा, इनपुट साइड पे है, ठीक है। दैट इज आपका सिंगल पोर्ट नेटवर्क ऐसा कुछ होता है, सिंगल पोर्ट नेटवर्क जो होगा, जो सिंगल पोर्ट नेटवर्क होगा उसमें जो एलिमेंट लगे होंगे वो कैसे होंगे बेटा, दैट इज लीनियर कॉमा पैसिव एंड बाइलेटरल एलिमेंट होंगे, ठीक है। अब ये जो सिंगल पोर्ट नेटवर्क है इसमें जो पोर्ट है या फिर जो पेयर ऑफ टर्मिनल है वो किस साइड है बेटा, इनपुट साइड है, ठीक है। किस साइड है, इनपुट साइड है। दिस इज नथिंग बट द सिंगल पोर्ट नेटवर्क। सिंगल पोर्ट नेटवर्क में जो पोर्ट होंगे या फिर जो पेयर ऑफ टर्मिनल है वो इनपुट साइड होंगे, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट द जो आपका पेयर ऑफ टर्मिनल है जिनको हम पोर्ट बोल रहे हैं वो इनपुट साइड पे है। इनपुट साइड पे ये जो पेयर ऑफ टर्मिनल जिनको मैंने पोर्ट बोला, यहां पर अगर आप वोल्टेज मानेंगे तो व्हाट इज द वोल्टेज, इनपुट साइड पे जब वोल्टेज मानते हैं तो वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं V1 से, और बेटा इनपुट साइड जो करंट मानते हैं एक टर्मिनल में अगर I करंट इन कराएंगे तो उतना ही करंट दूसरे टर्मिनल से क्या करेगा, लीव करेगा, ठीक है, क्या करेगा, लीव करेगा। दिस इज नथिंग बट द सिंगल पोर्ट नेटवर्क। लेकिन इस सिंगल पोर्ट नेटवर्क में जो आपका पोर्ट है वो इनपुट साइड है। अच्छा, सिंगल पोर्ट नेटवर्क में हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हेलो, सिंगल पोर्ट नेटवर्क में हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, आप देखेंगे सिंगल पोर्ट नेटवर्क में आप इनपुट इंपीडेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। हेलो, क्या इन दो टर्मिनल, इनपुट टर्मिनल, ये आपके इनपुट टर्मिनल हैं, क्या इनपुट टर्मिनल के क्रॉस आप इक्विवेलेंट इंपीडेंस निकाल सकते हैं, बिल्कुल। आप सिंगल पोर्ट नेटवर्क में अगर इनपुट पोर्ट है तो आप इनपुट इंपीडेंस निकाल सकते हैं, या फिर इंपीडेंस अगर पूछा जाए तो इनपुट इंपीडेंस या फिर इनपुट एडमिटेंस, दो चीजें निकाली जा सकती है। सिंगल पोर्ट नेटवर्क अगर आपके पास है, सिंगल पोर्ट नेटवर्क में अगर आपके पोर्ट इनपुट साइड है तो आप इनपुट इंपीडेंस को बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं लिख देता हूं, अगर आपके पास एक सिंगल पोर्ट नेटवर्क है और उसमें जो पोर्ट है अगर वो इनपुट साइड है तो आप इनपुट इंपीडेंस निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, इनपुट इंपीडेंस, क्या निकाल सकते हैं, इनपुट इंपीडेंस निकाल सकते हैं। अगर आपको इनपुट इंपीडेंस मालूम है तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या जाएगा, इनपुट एडमिटेंस, या तो आप इनपुट इंपीडेंस निकाल सकते हैं या फिर आपका इनपुट एडमिटेंस निकाल सकते हैं, इनपुट इनपुट इंपीडेंस या फिर इनपुट एडमिटेंस। अब इनपुट इंपीडेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि इनपुट इंपीडेंस क्या होगा, ये आपके जो सिंगल पोर्ट नेटवर्क है इन दोनों इनपुट टर्मिनल के अक्रॉस कितना इंपीडेंस ऑफर करेगा, इस इंपीडेंस को कैसे निकालेंगे, कोई भी सर्किट अपने टारगेट टर्मिनल के क्रॉस कितना इंपीडेंस ऑफर करता है उसको निकालने के लिए टारगेट टर्मिनल के क्रॉस कितना वोल्टेज है और टारगेट टर्मिनल से कितना करंट जा रहा है, दैट टारगेट टर्मिनल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टारगेट टर्मिनल करंट, दैट इज नथिंग बट द इनपुट इंपीडेंस। आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पढ़ा होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में सर ने पढ़ाया होगा यूनिवर्सल मेथड या फिर वी बाय आई मेथड। कोई भी सर्किट अपने टारगेट टर्मिनल के क्रॉस कितना इंपीडेंस या फिर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज वोल्टेज अक्रॉस द टारगेट टर्मिनल डिवाइडेड बाय द करंट पासिंग थ्रू द टारगेट टर्मिनल। तो ये बताइए, ये इनपुट पोर्ट है, इन इनपुट पोर्ट के क्रॉस इनपुट या फिर सिंगल पोर्ट, एक आपके पास सिंगल पोर्ट नेटवर्क है, ये सिंगल पोर्ट नेटवर्क अपने इनपुट पोर्ट या फिर इनपुट टर्मिनल के अक्रॉस कितना इनपुट इंपीडेंस ऑफर करेगा, वो इनपुट इंपीडेंस की वैल्यू कितनी होगी, इन इनपुट टर्मिनल के अक्रॉस कितना वोल्टेज है V1 और इन इनपुट टर्मिनल से कितना करंट इंटर कर रहा है I1, तो V1 by I1, दैट V1 by I1 का रेशियो ही क्या होगा, दैट इज नथिंग बट द इनपुट इंपीडेंस। तो दिस इज नथिंग बट द, अगर आपके पास एक सिंगल पोर्ट नेटवर्क है, अगर आपके पास एक सिंगल पोर्ट नेटवर्क है, इस सिंगल पोर्ट नेटवर्क में अगर आपके पास इनपुट पोर्ट है
तो इन इनपुट पोर्ट या फिर इस पेयर ऑफ टर्मिनल के क्रॉस आप इनपुट इंपीडेंस निकाल सकते हो, और इनपुट इंपीडेंस कितना होगा, दैट इज द इनपुट वोल्टेज V1 डिवाइडेड बाय इनपुट करंट I1। V1 बाय I1 का रेशियो क्या होगा, इनपुट इंपीडेंस। दैट इज V1 बाय I1 इज नथिंग बट द इनपुट इंपीडेंस। अच्छा, इनपुट इंपीडेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वन पोर्ट नेटवर्क में? ध्यान से देखिए, अगर आपके पास वन पोर्ट नेटवर्क है, उसमें इनपुट पोर्ट है, तो इनपुट पोर्ट के अक्रॉस, इनपुट पोर्ट के अक्रॉस जो मेरा सर्किट है या फिर सिंगल पोर्ट नेटवर्क है, कितना इंपीडेंस ऑफर करेगा, दैट इज वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल डिवाइडेड बाई करेंट थ्रू द टर्मिनल, V1 बाई I1। और बेटा इनपुट पोर्ट के ये आपका क्या है, इनपुट इंपीडेंस, दिस इज नथिंग बट द इनपुट इंपीडेंस। तो आप जो है सिंगल पोर्ट नेटवर्क के इनपुट इंपीडेंस को किससे प्रिंट करना, V1 बाई I1। अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो ये इंपीडेंस है, इंपीडेंस को किससे प्रिंट, V बाई I का जो रेशियो होगा, V बाई I क्या कहलाएगा, इंपीडेंस, इसको Z से प्रिंट करेंगे। क्योंकि इनपुट इंपीडेंस निकाल रहे हैं तो इनपुट इंपीडेंस को रिप्रेजेंट करते हैं Z11। Z11 क्या होता है, Z11 क्या है, दिस इज नथिंग बट द इंपीडेंस, क्या है, इनपुट इंपीडेंस, क्या है, देखा, दिस इज 11 का मतलब इनपुट पोर्ट। 11 कैसा है, न्यूमरेटर का 1 पहले लिखा जाता है और डिनोमिनेटर का 1 बाद में लिखा जाता है, ठीक है। तो दैट इज, अगर मैं इसको लिखना चाहूं, Z11 क्या है, Z11 क्या है, Z11 इंपीडेंस, इंपीडेंस का होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाई करंट। ध्यान से देखिए पहले बोर्ड पे, Z11 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हम लोग देखना चाहते हैं। तो Z11 क्या है बेटा, Z का है इंपीडेंस, इंपीडेंस को क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। 11 में क्या होगा, जो पहला 1 होगा, हेलो, पहला जो 1 होगा वो हमेशा न्यूमरेटर के साथ लिखा जाएगा, पहला 1 क्या होगा, न्यूमरेटर के साथ लिखा जाएगा, दूसरा जो 1 होगा वो डिनोमिनेटर के साथ लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, डिनोमिनेटर। तो V1 क्या होता है बेटा, V1 होता है इनपुट, दैट इज इनपुट पोर्ट का वोल्टेज, और ये क्या है, I1 क्या है, इनपुट पोर्ट का करंट। हमेशा मैं इनपुट पोर्ट पे जो वोल्टेज मानता हूँ कितना मानता हूँ, V1, और बेटा I1 क्या है, इनपुट पोर्ट का, इनपुट वोल्टेज का, इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाई इनपुट करंट, क्या होगा बेटा, इनपुट इंपीडेंस होगा। तो Z11, अगर मैं बात करूं कि सिंगल पोर्ट नेटवर्क में, सिंगल पोर्ट नेटवर्क में, सिंगल पोर्ट नेटवर्क में इनपुट इंपीडेंस को किससे प्रिंट करते हैं, Z11 से, और Z11 की वैल्यू कितनी होती है, V1 बाई I1, V1 बाई है, Z11, Z11 क्या होगा, Z क्या है, इंपीडेंस, तो क्या लिखा, V बाई I का रेशियो, और 11 का मतलब जो पहला 1 होगा वो न्यूमरेटर के साथ जाएगा, दूसरा 1 क्या होगा, दैट इज आपका डिनोमिनेटर के साथ। तो Z11 किसको प्रिंट करेगा, ये आपका क्या है बेटा, V1 क्या है, इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज, और I1 क्या है बेटा, इनपुट करंट, इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट का रेशियो, हेलो, इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट क्या, इंपीडेंस, और इनपुट है लगा हो तो क्या हो जाएगा, इनपुट इंपीडेंस, दिस इज नथिंग बट द इनपुट इंपीडेंस, इनपुट इंपीडेंस। सिंगल पोर्ट नेटवर्क में आपके पास अगर इनपुट पोर्ट है तो उस इनपुट पोर्ट के आप इनपुट इंपीडेंस को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। आप सिंगल पोर्ट नेटवर्क में अगर इनपुट पोर्ट है तो इनपुट पोर्ट के इंपीडेंस को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इनपुट पोर्ट के इंपीडेंस को आप Z11 से करते तो उसकी वैल्यू क्या होती है, V1 बाई I1। इनपुट इंपीडेंस क्या होगा, इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाई इनपुट करेंट, दैट इज V1 बाई I1। V1 बाई I1 क्या है, Z पहला वाला जो न्यूमरेटर में होगा उसको पहले लिखेंगे और डिनोमिनेटर के सफिक्स को बाद में लिखेंगे, तो दैट इज Z11 इज नथिंग बट द इनपुट इंपीडेंस, ठीक है। इनपुट एडमिटेंस की वैल्यू कितनी होगी, हेलो, इनपुट इंपीडेंस, इनपुट इंपीडेंस क्या, V1 बाई I1। एडमिटेंस क्या होता है, इसका उल्टा होता है, तो इनपुट एडमिटेंस को किससे प्रिंट करेंगे, सिंगल पोर्ट नेटवर्क में अगर आपके पास इनपुट पोर्ट है तो इनपुट पोर्ट के एडमिटेंस को आप किससे प्रिंट करेंगे, एडमिटेंस क्या होता है, करंट डिवाइडेड बाय वोल्टेज, एडमिटेंस क्या होता है, करंट डिवाइडेड बाय वोल्टेज। इनपुट एडमिटेंस लिखना है तो इनपुट करंट इज I1 डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। तो करंट डिवाइडेड बाय वोल्टेज क्या होगा, एडमिटेंस, क्या होगा, एडमिटेंस, लेकिन किस साइड का लिखा है बेटा,
इनपुट साइड का, तो मैंने बताया था न्यूमरेटर में बेटा जो लेटर पहले होगा उसके सफिक्स को आप पहले लिख देंगे और डिनोमिनेटर में जो सफिक्स होगा उसके सफिक्स को बाद में लिख देंगे। तो अगर आपके पास एक सिंगल पोर्ट नेटवर्क है जिसमें आपका जो है इनपुट पोर्ट है, तो उसके इनपुट एडमिटेंस को आप किससे प्रिंट करेंगे, Y11 से। Y11 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, I1 by V1। तो मेन मकसद अभी मैं समझाने की कोशिश करता हूं जो मैं आपको बता रहा हूं। अभी एग्जांपल मैं देता हूं, पहले इतना लिख लीजिए फिर मैं आपको एक बार और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। अगर आपके पास एक सिंगल पोर्ट नेटवर्क है उसमें इनपुट पोर्ट है, अगर इनपुट पोर्ट है तो आप दो चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, इनपुट इंपीडेंस और आपका इनपुट एडमिटेंस। इनपुट इंपीडेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल पोर्ट के Z11 से, उसकी वैल्यू होती है V1 by I1। और बेटा इनपुट एडमिटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं Y11 से, जिसकी वैल्यू होती है I1 by V1। वाई का मतलब बेटा एडमिटेंस, वाई का मतलब है बेटा एडमिटेंस। एडमिटेंस को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इंपीडेंस को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बेटा राजनंदी। वाई का मतलब है एडमिटेंस, इतना लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग जो है एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब भी आपके पास एक सिंगल पोर्ट नेटवर्क होगा, अगर उसमें इनपुट इंपीडेंस है, सिंगल पोर्ट नेटवर्क में अगर इनपुट इंपीडेंस है, तो आप दो चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, इनपुट इंपीडेंस या फिर आप जो है इनपुट एडमिटेंस। इनपुट इंपीडेंस कैलकुलेट कर सकते हैं और एंड इनपुट एडमिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। इनपुट इंपीडेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आपके सिंगल पोर्ट नेटवर्क में अगर इनपुट इंपीडेंस इनपुट पोर्ट है तो इनपुट इंपीडेंस को रिप्रेजेंट करते हैं Z11 से। और Z11 क्या है, इनपुट इंपीडेंस, उसकी वैल्यू कितनी, इंपीडेंस को क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। 11 का मतलब पहले जो लेटर है वो न्यूमरेटर में आएगा V1, और बेटा दूसरा वाला जो आपका सफिक्स है वो आपका डिनोमिनेटर में आएगा। तो Z11 की वैल्यू कोई लिखना चाहे तो Z11 क्या होगा, Z11 इसको हम क्या पढ़ेंगे, इंपीडेंस है तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, ठीक है। पहला जो लेटर होगा वो न्यूमरेटर के साथ आएगा, पहला लेटर न्यूमरेटर के साथ आएगा और दूसरा लेटर डिनोमिनेटर के साथ आएगा। तो Z11 क्या है, Z11 इज नथिंग बट द, इसको रिप्रेजेंट करेंगे V1 by I1। V1 क्या है बेटा, इनपुट वोल्टेज। I1 क्या है, इनपुट करंट। इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट का जो रेशियो होगा वो इनपुट इंपीडेंस हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इनपुट एडमिटेंस की बात करूं तो एडमिटेंस क्या होता है बेटा, दैट इज इनपुट एडमिटेंस। एडमिटेंस क्या होता है, वाई। इनपुट एडमिटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं Y11 से। Y11 ये एडमिटेंस क्या होगा, करंट डिवाइडेड बाय वोल्टेज। अगर मैं आपके पास सिंगल पोर्ट नेटवर्क में इनपुट पोर्ट है तो बेटा इनपुट एडमिटेंस, एडमिटेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं इनपुट एडमिटेंस को Y11 से, ठीक है। और Y11 की वैल्यू क्या होगी बेटा, एडमिटेंस होता है करंट डिवाइडेड बाय वोल्टेज। पहला जो लेटर होता है वो न्यूमरेटर के साथ जाता है, दिस इज वन, और दूसरा जो लेटर होगा सफिक्स को डिनोमिनेटर। तो I1 by V1 का रेशियो इन दैट इज, अगर आपके पास एक सिंगल पोर्ट नेटवर्क है उसमें इनपुट पोर्ट है तो I1 divided by V1 का रेशियो आपका क्या कहलाएगा, इनपुट एडमिटेंस, और V1 by I1 का रेशियो क्या कहलाएगा, इनपुट इंपीडेंस, ठीक है। इतना मेरे ख्याल से आपने लिख लिया होगा। चलिए अब एग्जांपल की बात करते हैं, एक सिंगल पोर्ट नेटवर्क जिसमें आपके पास इनपुट साइड पे पोर्ट होंगे, दैट एग्जांपल इज नथिंग बट द मोटर। मोटर इज द एग्जांपल ऑफ सिंगल पोर्ट नेटवर्क जिसमें आपके पास कौन सा बेटा, किस साइड पे पेयर ऑफ टर्मिनल या फिर पोर्ट होता है इनपुट साइड। ध्यान से देखिए, मोटर को मैं बना रहा हूं, मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ध्यान से देखिए, डीसी मोटर का एग्जांपल लिया है। डीसी मोटर में आप देखेंगे जब इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट डायग्राम बनाते हैं तो यहां पर आप इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हैं। हेलो डीसी मोटर, यहां पर आप इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हैं, नाउ मोटर के अंदर बेटा आर्मेचर होता है और मोटर में आपका क्या होता है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस होगा और आर्मेचर में क्या डेवलप, मोटर में क्या डेवलप होता है, बैक ईएमएफ डेवलप होता है, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट द मोटर के अंदर आर्मेचर में क्या डेवलप होता है, बैक ईएमएफ डेवलप होता है, दिस इज बैक ईएमएफ
और साथ ही साथ बेटा आर्मेचर का क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। आप देखो मोटर में ध्यान से देखिए, मोटर जैसे ही आप मोटर में इनपुट अप्लाई करेंगे, जैसे ही आपने मोटर में इनपुट अप्लाई किया, इमीडिएटली सर्किट क्या है, क्लोज है। इमीडिएटली कौन सा करंट फ्लो करेगा, आर्मेचर करंट। एक टर्मिनल से जितना आर्मेचर करंट इंटर करेगा उतना ही आर्मेचर करंट दूसरे टर्मिनल से क्या करेगा, फ्लो करेगा। आर्मेचर करंट बोलिए फिर मोटर करंट बोलिए, बात क्या है, सेम है। मैं मोटर करंट लिख देता हूं क्योंकि मोटर बनाया। एक टर्मिनल से मोटर जितना करंट लेगी उतना ही करंट दूसरे टर्मिनल से क्या भी करेगा, लीव करेगा। तो आप देखेंगे यहां पर आपके पास क्या है, आपके पास इनपुट टर्मिनल है। इनपुट टर्मिनल में आप देखेंगे इन टर्मिनल की खासियत क्या है, एक टर्मिनल से जितना करंट इन कर रहा है उतना ही करंट क्या कर रहा है, आउट कर रहा है। तो ये पेयर ऑफ टर्मिनल क्या है बेटा, पोर्ट है। कितना पोर्ट है, एक पोर्ट है। और ये पोर्ट किस साइड मौजूद है बेटा, इनपुट साइड। आपने इनपुट दिया मोटर में, आउटपुट में क्या मिलता है, मोटर से आगे क्या कपल्ड होता है बेटा, लोड कनेक्ट होता है। मोटर इस लोड को क्या करती है बेटा, रोटेट करती है। आगे ये लोड कनेक्ट है, दिस इज द लोड, दिस इज लोड। तो दिस इज नथिंग बट, अगर मैं बात करूं, दिस इज नथिंग बट द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिंगल पोर्ट नेटवर्क। दिस इज नथिंग बट द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिंगल पोर्ट नेटवर्क हैविंग द इनपुट पोर्ट। देखिए जरा, क्या ये सिंगल पोर्ट नेटवर्क का एग्जाम्पल है? और इस सिंगल पोर्ट नेटवर्क में जो आपके पोर्ट है या फिर जो पेयर ऑफ टर्मिनल है वो किस साइड है बेटा, इनपुट साइड है। किस साइड है बेटा, इनपुट साइड। दिस इज द डीसी मोटर। डीसी मोटर का मैंने इक्विवेलेंट सर्किट बनाया। तो डीसी मोटर में आप देखेंगे आपके पास ये दोनों टर्मिनल क्या है, एक टर्मिनल से जितना करंट मोटर में जाएगा उतना ही करंट दूसरे टर्मिनल से लीव करेगा। तो ये दोनों टर्मिनल क्या है, पोर्ट। तो दिस इज ये वन पोर्ट, एक पोर्ट सिंगल पोर्ट नेटवर्क है। और इस सिंगल पोर्ट नेटवर्क में जो पोर्ट आपके पेयर ऑफ टर्मिनल वो किस साइड मौजूद है, इनपुट साइड मौजूद है। तो दिस इज नथिंग बट द, ये जो आपका एग्जाम्पल है सिंगल पोर्ट नेटवर्क का एग्जाम्पल है। और इस सिंगल पोर्ट नेटवर्क में कौन सा पोर्ट मौजूद है, जो पोर्ट है या फिर पेयर ऑफ टर्मिनल कहां पर है, इनपुट साइड है। तो इनपुट साइड आपका पोर्ट मौजूद है, दिस इज इनपुट पोर्ट। क्लियर है? तो मोटर इज द एग्जाम्पल ऑफ वन पोर्ट नेटवर्क, आपको समझ में आना चाहिए। आईएम का मतलब इंपीडेंस नहीं, ये आपका जो है करंट है, दिस इज मोटर करंट। मोटर इतना करंट ले रहा, मोटर करंट। आईएम का मतलब है बेटा मोटर करंट। मोटर आप आई से भी दिखा सकते हैं, इसी वाले बच्चे आई से भी दिखा सकते हैं। मोटर आई करंट ले रही, जितना करंट लेगी उतना ही करंट आपके दूसरे टर्मिनल से क्या कर देगा, लीव कर जाएगा। तो ये पेयर ऑफ टर्मिनल क्या है, पोर्ट है। और ये पोर्ट कहां पर मौजूद है, इनपुट साइड पे मौजूद है। तो दैट इज सिंगल पोर्ट नेटवर्क। और इस सिंगल पोर्ट नेटवर्क में जो पोर्ट है वो इनपुट साइड पे मौजूद है, केवल इनपुट पोर्ट है सिंगल पोर्ट नेटवर्क। दूसरा हम बात करते हैं आउटपुट पोर्ट। सिंगल पोर्ट नेटवर्क में आपके पास जो पोर्ट है, जो पेयर ऑफ टर्मिनल है वो कहां पर मौजूद है, आउटपुट साइड पे मौजूद है। ठीक है, आपके सिंगल पोर्ट नेटवर्क में या तो आपके पास जो एक पोर्ट होगा वो इनपुट साइड पे मौजूद होगा या तो आउटसाइड पे मौजूद होगा, आउटपुट साइड पे मौजूद होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना सब ने बना लिया होगा, अब मैं आगे बढ़ सकता हूं। इतना आप लोगों ने बना लिया होगा, आगे बढ़ सकते हैं। ईबी, अरे भैया ईबी इलेक्ट्रिकल कहोगे पूरा, ईबी क्या है, बैक ईएमएफ या फिर मोटर ईएमएफ बोल सकते हो, बैक ईएमएफ वोल्टेज है। सत्यजीत 1 मिनट सर। ईबी आरए क्या है बेटा, आर्मेचर का रेजिस्टेंस है, आर्मेचर रेजिस्टेंस। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आपको समझने की कोशिश करनी है कि अच्छा हाँ प्रैक्टिकली हम लोग कुछ पढ़े हैं ऐसा कुछ। मोटर इज द एग्जांपल ऑफ सिंगल पोर्ट नेटवर्क हैविंग द इनपुट पोर्ट। ठीक है, नाउ मेरे ख्याल से लिख लिया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। सिंगल पोर्ट में जो पोर्ट है वो आपका आउटपुट साइड में मौजूद हो सकता है। यहां पर देखिए, नाउ दिस इज आई कैन बी कंसीडर ए सिंगल पोर्ट नेटवर्क। सिंगल पोर्ट जो नेटवर्क होगा उसमें जो एलिमेंट होंगे वो हमेशा कैसे होंगे, लीनियर कॉमा पैसिव
एंड बाइलेटरल एलिमेंट होंगे। लेकिन ये जो सिंगल पोर्ट नेटवर्क है, इसमें जो पोर्ट है वो किस साइड मौजूद है? आउटपुट साइड पे मौजूद है, आउटपुट साइड पे, ठीक है। ये जो पोर्ट है तो आउटपुट साइड पे, तो आपके पास कौन सा है? दिस इज सिंगल पोर्ट नेटवर्क हैविंग द आउटपुट पोर्ट, एक ही पोर्ट है वो आउटपुट साइड पे है, ठीक है। दिस इज आउटपुट पोर्ट। अगर ये पोर्ट है, ये पेयर ऑफ टर्मिनल अगर पोर्ट है, आउटपुट साइड पे वोल्टेज किससे प्रिंट करते हैं? वी टू से, और करंट को किससे प्रिंट करते हैं? I2 से। क्योंकि पोर्ट है, एक टर्मिनल से जितना करंट इन करेगा उतना ही करंट दूसरे टर्मिनल से क्या करेगा? लीव करेगा। अब आपके पास, अगर आपके पास एक सिंगल पोर्ट नेट, सर जो वीडियो अपलोड हो रहे हैं ऐप में वो भी कब तक रहेंगे ऐप में? जिंदगी भर रहेंगे, जब तक आप पढ़ना चाहें, ठीक है। नाउ अब आप देखेंगे, अगर आपके पास एक सिंगल पोर्ट नेटवर्क है जिसमें आपके पास आउटपुट पोर्ट है, तो इसमें आप कौन कौन सी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं? आप देखेंगे, अगर आउटपुट पोर्ट है तो मैं आउटपुट इंपीडेंस कैलकुलेट कर सकता हूँ, आउटपुट इंपीडेंस भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, और इनपुट दैट इज आउटपुट एडमिटेंस भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। आप देखेंगे, आपको इन दो टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज मालूम है, आउटपुट टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज मालूम है, आउटपुट टर्मिनल का करंट मालूम है, तो इन दो आउटपुट टर्मिनल के क्रॉस ये सिंगल पोर्ट नेटवर्क कितना आउटपुट इंपीडेंस ऑफर करेगा और कितना आउटपुट एडमिटेंस ऑफर करेगा, दो चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज, नाउ यहां लिख देता हूं, दिस इज, अगर आपके पास सिंगल पोर्ट नेटवर्क में आउटपुट पोर्ट है तो दो चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तो आप आउटपुट इंपीडेंस, आउटपुट इंपीडेंस, आप जो है सिंगल पोर्ट नेटवर्क में अगर आउटपुट पोर्ट है तो आउटपुट इंपीडेंस को किससे प्रिंट करते हैं? जेड टू से। जेड टू टू की वैल्यू कितनी होगी? हेलो, आउटपुट इंपीडेंस निकालना है, टर्मिनल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टर्मिनल करंट, या फिर जेड टू टू आउटपुट इंपीडेंस को रिप्रेजेंट करते हैं जेड टू टू से। जेड टू टू इंपीडेंस है ना, इंपीडेंस क्या होता है? वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। पहला लेटर न्यूमरेटर के साथ आएगा, दूसरा लेटर डिनोमिनेटर के साथ आएगा, तो वी टू बाई आई टू का रेशियो। अगर आपके पास एक सिंगल पोर्ट नेटवर्क है जिसमें आपके पास आउटपुट पोर्ट है, उस सिंगल पोर्ट नेटवर्क जिसमें आपके पास आउटपुट है, अगर आप जो है अपने V2 by I2 का रेशियो निकालेंगे, V2 by I2 का रेशियो क्या कहलाएगा? उस सिंगल पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट इंपीडेंस को कहलाएगा, या फिर आउटपुट इंपीडेंस को देगा, या फिर अगर आउटपुट इंपीडेंस मालूम है तो आउटपुट एडमिटेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आउटपुट एडमिटेंस। आउटपुट एडमिटेंस, एडमिटेंस क्या होता है? y, क्योंकि आउटपुट है, आउटपुट में मैं सफिक्स में 2 लगाता हूं, इनपुट साइड में 1 लगाता हूं, इनपुट साइड में सफिक्स 1 होता है, आउटपुट साइड में सफिक्स 2 होता है, तो आउटपुट एडमिटेंस को हम किससे प्रिंट करते हैं? सिंगल पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट एडमिटेंस को प्रिंट करते हैं, y टू टू आउटपुट साइड 2 आएगा, और आउटपुट एडमिटेंस की वैल्यू, एडमिटेंस क्या होता है? करंट डिवाइडेड बाई वोल्टेज, क्योंकि आउटपुट है, सफिक्स में क्या आएगा? पहला वाला लेटर ऊपर, I2 डिवाइडेड बाय V2 का रेशियो क्या कहलाएगा? आउटपुट एडमिटेंस। सिंगल पोर्ट नेटवर्क में अगर आपके पोर्ट जो है आउटपुट साइड पे है, आउटपुट पोर्ट रखता है सिंगल पोर्ट नेटवर्क, तो आप उस सिंगल पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट इंपीडेंस और इन आउटपुट एडमिटेंस को निकाल सकते हैं। आउटपुट एडमिटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं जेड टू टू से, और उसकी वैल्यू होती है वी टू बाई आई टू, और बेटा आउटपुट एडमिटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं वाई टू टू से, और उसकी वैल्यू होती है आई टू डिवाइडेड बाई वी टू, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, आपका सिंगल पोर्ट नेटवर्क जिसमें आपके पास सिंगल पोर्ट नेटवर्क जिसमें आपके पोर्ट कहां पर मौजूद हो? आउटपुट साइड पर मौजूद है। व्हाट इज द एग्जाम्पल? इसका एग्जाम्पल है बेटा जनरेटर, डीसी जनरेटर। एग्जाम्पल इज नथिंग बट द डीसी जनरेटर, या फिर जनरेटर लिख सकते हैं। देखिए, दिखा रहा हूं मैं आपको, जनरेटर इज द एग्जाम्पल ऑफ वन पोर्ट नेटवर्क, या फिर सिंगल पोर्ट नेटवर्क हैविंग द आउटपुट पोर्ट। उसमें जो पोर्ट होंगे उस सिंगल पोर्ट नेटवर्क में आउटपुट साइड पे होंगे। हेलो, जनरेटर, जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। जनरेटर को आप बाहर से रोटेट करते हैं तो आर्मेचर में क्या प्रोड्यूस होता है बेटा? ईएमएफ जनरेट होता है। ध्यान से देखिए, जनरेटर का मैं डायग्राम बना रहा हूं, डीसी जनरेटर का। हेलो, यहां पर आप देखिए, जनरेटर को आप क्या करेंगे? जनरेटर में आप बाहर से क्या करेंगे? आप जनरेटर में
बाहर से क्या करेंगे, प्राइम मूवर से जनरेटर को रोटेट करेंगे तो अंदर क्या जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। आर्मेचर में क्या जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। दिस इज ईएमएफ जनरेट होगा, साथ ही साथ आर्मेचर का क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, अब जैसे ही आप जो है अपने जनरेटर के टर्मिनल में लोड लगा देंगे तो क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। करंट कैसे फ्लो करेगा, जैसे ही मैं जनरेटर के टर्मिनल पे लोड लगा दूंगा, यहां पर लोड लगा दूंगा तो करंट कैसे फ्लो करेगा, ऐसे करंट फ्लो करेगा, ऐसे करंट फ्लो करेगा। टर्मिनल वोल्टेज कितना आएगा, जैसे करंट लोड से करंट पास करेगा तो ड्रॉप आएगा, जिसको टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं वी। तो मैं लोड नहीं दिखा रहा हूं, मैं डायरेक्ट आपके जनरेटर के टर्मिनल वोल्टेज को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज वी से। एंड करंट कैसे फ्लो करता है जनरेटर में, दिस इज आर्मेचर करंट। हेलो, आर्मेचर करंट ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे आर्मेचर करंट आएगा, लोड से पास करेगा और फिर ऐसे जाएगा। यहां पर देखिए, तो ऐसे आर्मेचर करंट आपका फ्लो करने वाला। तो आप देखेंगे क्या, जनरेटर इज नथिंग बट द एग्जांपल ऑफ वन पोर्ट नेटवर्क। पोर्ट की डेफिनेशन क्या होती है, पोर्ट इज नथिंग बट द पेयर ऑफ टर्मिनल। यहां पर आपको एक पेयर ऑफ टर्मिनल दिख रहे होंगे, इस पेयर ऑफ टर्मिनल में ध्यान से देखिए, इस पेयर ऑफ टर्मिनल में एक टर्मिनल से जितना करंट इन कर रहा है उतना ही लीव कर रहा है, तो ये पेयर ऑफ टर्मिनल है, एक पेयर ऑफ टर्मिनल है, इसको बोलेंगे पोर्ट। तो एक पोर्ट है और ये पोर्ट आपका किस साइड मौजूद है, आउटपुट साइड मौजूद है, दिस इज द आउटपुट साइड मौजूद है। तो दिस इज नथिंग बट द जनरेटर इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंगल पोर्ट नेटवर्क। और इस ये जो सिंगल पोर्ट नेटवर्क है, इसमें आपके पास जो पोर्ट मौजूद है वो किस साइड मौजूद है, आउटपुट साइड पे मौजूद है। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट द डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, या फिर जनरेटर बोलिए या फिर डीसी जनरेटर बोलिए, इन द एग्जांपल ऑफ सिंगल पोर्ट नेटवर्क। ठीक है, तो डीसी मोटर इज द एग्जांपल ऑफ सिंगल पोर्ट नेटवर्क हैविंग द इनपुट पोर्ट, एंड जनरेटर इज द एग्जांपल ऑफ सिंगल पोर्ट नेटवर्क हैविंग द आउटपुट पोर्ट। जनरेटर में आपके जो है जो पेयर ऑफ टर्मिनल पोर्ट होता है वो आउटपुट साइड पे होता है, वहीं मोटर में आपका जो पेयर ऑफ टर्मिनल होता है वो इनपुट साइड पे होता है। एक ही पेयर ऑफ पोर्ट है, दैट इज यहां पर एक ही पोर्ट है, सिंगल पोर्ट नेटवर्क है। और सिंगल पोर्ट नेटवर्क में आप क्या क्या नहीं निकाल सकते हैं, सिंगल पोर्ट नेटवर्क में अगर इनपुट साइड पे पोर्ट है तो इनपुट इंपीडेंस और आपका इनपुट एडमिटेंस निकाल सकते हैं। अगर सिंगल पोर्ट नेटवर्क में आउटपुट पोर्ट है तो आप इन दैट इज आउटपुट इंपीडेंस और आउटपुट एडमिटेंस निकाल सकते हैं, इतनी चीजें निकाल सकते हैं। यहां तक अगर चीजें हो गई हो तो फिर हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करें। वन पोर्ट के एग्जांपल, अच्छा ये बताओ वन पोर्ट नेटवर्क को हम एनालिसिस कैसे करते हैं, वन पोर्ट नेटवर्क का कभी क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ये आप लोग पढ़ चुके हैं वन पोर्ट नेटवर्क को सॉल्व करना, वन पोर्ट नेटवर्क को कैसे सॉल्व किया जाता है, वन पोर्ट नेटवर्क आप पढ़ चुके हैं, ध्यान करिए कहां पर पढ़ा था, वन पोर्ट नेटवर्क सभी स्टूडेंट पढ़ चुके हैं। वन पोर्ट नेटवर्क कहां पढ़े थे, वन पोर्ट नेटवर्क को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, वन पोर्ट नेटवर्क में कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कौन सा मेथड यूज करते हैं। हाँ आशीष बोल रहा है बी डबल इवन थ्योरम में पढ़े थे, बिल्कुल सुपरपोजिशन, पगला गया का सुपरपोजिशन के लिए एक से ज्यादा सोर्स होने चाहिए। ध्यान से देखिए थेवेनिन और नॉर्टन, कभी भी आपके पास वन पोर्ट का क्वेश्चन आ जाएगा, वन पोर्ट के क्वेश्चन को आप हमेशा थेवेनिन या फिर नॉर्टन मॉडल से करते हैं। मैं आपको याद दिलाता हूं, ध्यान से देखिए, आपके पास क्वेश्चन दिया होता था, ध्यान से देखिए, थेवेनिन मॉडल या फिर नॉर्टन मॉडल में क्वेश्चन दिया होता था, लिखा होता था, ये एक ब्लैक बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स है मतलब इसमें एलिमेंट हैं लेकिन उनका इंटरकनेक्शन है। ध्यान से देखिए बेटा, जितने लोग भी देख रहे हैं, थेवेनिन नॉर्टन मॉडल में एक आपके पास ब्लैक बॉक्स होता था और लिखा होता था दैट इज, इस ब्लैक बॉक्स के अंदर होगा लीनियर कॉमा लीनियर एक्टिव बायलेटरल नेटवर्क, लीनियर एक्टिव एंड बायलेटरल नेटवर्क। ठीक है, इस ब्लैक बॉक्स के अंदर आपके पास लीनियर एक्टिव बायलेटरल नेटवर्क है और आपसे बोला जाता था
कि आपके पास इस लीनियर इस ब्लैक बॉक्स के आगे एक लोड रजिस्टर लगा है, इस लोड रजिस्टर में कितना करंट फ्लो करेगा। एक लोड रजिस्टर लगा होता था आरएल, और मान लीजिए इसे आपको करंट निकालना, लोड करंट निकालना था। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करते थे, आप क्या करते थे, ध्यान से सुनिए, इस क्वेश्चन में क्या करते थे, इन दो टर्मिनल के क्रॉस, हेलो, इन दो टर्मिनल के क्रॉस। अच्छा ये बताइए, क्या ये दोनों टर्मिनल पोर्ट कहलाएंगे क्या? आप देखेंगे यहां से आईएल करंट जाएगा एक टर्मिनल से, और अंदर से घूमते फिरते फिर से दूसरे टर्मिनल से कितना करंट ही फ्लो करेगा, आईएल। तो एक टर्मिनल से जितना करंट आपका लीव करा उतना ही करंट दूसरे टर्मिनल से लीव। तो ये आपके पोर्ट हैं, दिस इज ए वन पोर्ट नेटवर्क, दिस इज नथिंग बट ए वन पोर्ट नेटवर्क। ये दोनों टर्मिनल आपके पोर्ट है। वन पोर्ट नेटवर्क के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते थे, हम क्या करते थे, इन दो टर्मिनल के क्रॉस, इन दो टर्मिनल के क्रॉस ये जो सर्किट होता था, ये वन पोर्ट नेटवर्क, इन दो टर्मिनल जिनको हम पोर्ट बोलेंगे, इन दो टर्मिनल के क्रॉस आप पूरे के पूरे सर्किट को क्या कर सकते थे, या तो थेमिनिन मॉडल में कन्वर्ट कर देते थे या फिर नॉर्टन मॉडल में कन्वर्ट करते। इन दो टर्मिनल के क्रॉस, इन दो टर्मिनल के क्रॉस आप इस लीनियर एक्टिव बाइलेटरल नेटवर्क को किसमें कन्वर्ट कर सकते थे, या तो इसका आप थेमिनिन मॉडल बनाते थे, थेमिनिन मॉडल बनाते थे, या फिर आप इसका नॉर्टन मॉडल बनाते थे, ठीक है। और एक बार जो है इसका थेमिनिन और नॉर्टन मॉडल बना के आप अपने इस लोड करंट को बड़ी आसानी निकालते, क्या करते थे बेटा, मैं आपको बना के दिखाता हूं। अच्छा ये बताओ थेमिनिन मॉडल कब बनाया जाता है, थेमिनिन मॉडल कब बनाते हैं, थेमिनिन मॉडल तब बनाते हैं जब आपको लोड के अक्रॉस क्या निकालना होता है, वोल्टेज निकालना होता है। और नॉर्टन मॉडल कब बनाते हैं, जब आपके लोड के करंट को निकालना होता है। ध्यान से देखिए, अगर मैं इसका थेमिनिन मॉडल, अगर मुझे लोड रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज पूछा जाता तो मैं इसका थेमिनिन मॉडल बनाता। थेमिनिन मॉडल में क्या करता, इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस इस पूरे के पूरे लीनियर एक्टिव बाइलेटरल नेटवर्क को क्या कर देता, थेमिनिन मॉडल में क्या होगा, इस पूरे के पूरे लीनियर एक्टिव बाइलेटरल नेटवर्क को मैं सिंगल वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद ए रेजिस्टेंस रिप्लेस कर दूंगा, और जो सिंगल वोल्टेज सोर्स होगा वो थेमिनिन वोल्टेज होगा, और इन सीरीज रेजिस्टेंस क्या होगा, थेमिनिन रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस आप पूरे के पूरे इस लीनियर एक्टिव बाइलेटरल नेटवर्क को, आप इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस इस पूरे के पूरे लीनियर एक्टिव बाइलेटरल नेटवर्क को क्या करेंगे, एक वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद ए रेजिस्टेंस से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। इस वोल्टेज सोर्स को बोलते थे थेवेनिन वोल्टेज, और सीरीज रेजिस्टेंस को क्या बोलते थे, थेवेनिन रेजिस्टेंस, ठीक है। आगे आपके पास लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है, दिस इज लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब जो है आपसे पूछा जाए कि थेवेनिन मॉडल कब बनाते थे, वन पोर्ट नेटवर्क, हेलो, जब भी आपके पास वन पोर्ट नेटवर्क होगा, वन पोर्ट नेटवर्क, दिस इज ए वन पोर्ट नेटवर्क, दिख रहा होगा ये आपके पास पोर्ट है, दिस इज पोर्ट। तो यहां पर आप देखेंगे पेयर ऑफ टर्मिनल हैविंग वन करंट इज इंटर एंड वन टर्मिनल से उतना करंट, ये क्या होगा, दिस इज ए पोर्ट, ये पेयर ऑफ टर्मिनल पोर्ट। तो आपके पास इस नेटवर्क में कितना पोर्ट है, एक पोर्ट है। एक पोर्ट नेटवर्क को आप क्या कर सकते हैं, या तो आप थेमिनिन मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर थेमिनिन मॉडल बना सकते हैं, या फिर आप कौन सा मॉडल बना सकते हैं, नॉर्टन। ये कौन सा मॉडल है बेटा, ये आपका थेमिनिन, अभी लिखिएगा नहीं, थेमिनिन्स मॉडल। या फिर आप इन्हीं दोनों टर्मिनल के क्रॉस, या फिर आप इन्हीं दोनों टर्मिनल के क्रॉस आप इस पूरे के पूरे वन पोर्ट नेटवर्क को नॉर्टन मॉडल से भी कन्वर्ट करें। नॉर्टन मॉडल में क्या हो गया, करंट सोर्स इन पैरेलल विद ए नॉर्टन रेजिस्टेंस। तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस, इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस आप इस पूरे के पूरे लीनियर एक्टिव बाइलेटरल नेटवर्क को एक करंट सोर्स, एक करंट सोर्स इन पैरेलल विद ए रेजिस्टेंस, इन पैरेलल विद ए रेजिस्टेंस से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। और ये जो करंट सोर्स होगा, इस करंट सोर्स को बोलते हैं हम लोग नॉर्टन करंट। और बेटा इस पैरेलल में जो रेजिस्टेंस को लगाते हैं उसको बोलते हैं नॉर्टन रेजिस्टेंस। और बेटा आगे तो आपका लोड रजिस्टर लगा ही है, आगे क्या लगा होता है, लोड रजिस्टर, ठीक है।
यहां पर आईएल करंट है और यहां पर कौन सा करंट है, डीसी नथिंग बटा आईएल। ये कौन सा मॉडल है, ये आपका जो मॉडल है दिस इज कॉल्ड नॉर्टन मॉडल। ये जो आपका मॉडल है, ये जो मैंने मॉडल कन्वर्ट किया, इस सिंगल पोर्ट नेटवर्क को या तो आप थेवेनिन मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर आप नॉर्टन मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक बार थेवेनिन और नॉर्टन मॉडल बना लिया ना आपने, उसके बाद तो ये लोड करंट आपका कैलकुलेट हो जाए। ये कौन सा मॉडल है, नॉर्टन्स मॉडल। कौन सा मॉडल है, नॉर्टन्स मॉडल, ठीक है। तो यहां पर आपको दिखना चाहिए कि अगर आपके पास वन पोर्ट नेटवर्क है तो वन पोर्ट नेटवर्क को मैं थेवेनिन में भी कन्वर्ट कर सकता हूं नॉर्टन में। एक बार आपने थेवेनिन या फिर नॉर्टन मॉडल बना लिया तो क्या इस लोड करंट को नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल केवीएल लगा के लोड करंट निकाल सकते हैं। नॉर्टन मॉडल बना लिया, करंट डिवीजन रूल लगा के आप इस लोड करंट को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो या अगर आपके पास वन पोर्ट नेटवर्क है तो या तो आप उसका थेवेनिन मॉडल बना लीजिएगा या तो उसका नॉर्टन मॉडल बना लीजिएगा, उसके बाद आपका यह जो आपका वन पोर्ट नेटवर्क आसानी से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आता है कि थेवेनिन मॉडल कब बनाते हैं, थेवेनिन मॉडल। देखो थेवेनिन मॉडल में जब भी आप जो अपने वन पोर्ट नेटवर्क को थेवेनिन मॉडल में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास एक वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद ए रेजिस्टेंस आएगा। इस वोल्टेज सोर्स को बोलते हैं थेवेनिन वोल्टेज और इस सीरीज रेजिस्टेंस को बोलते हैं आपका थेवेनिन रेजिस्टेंस और ये लोड रेजिस्टेंस है। आप देखेंगे जैसे ही आप जो है अपने इस वन पोर्ट नेटवर्क को थेवेनिन मॉडल में कन्वर्ट करेंगे क्या आपका थेवेनिन रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाएंगे क्या, ये दोनों सीरीज में होंगे क्या, सीरीज में होंगे। और सीरीज में बेटा क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को निकाल सकते हैं सीरीज में। अगर आपके एलिमेंट सीरीज में कनेक्ट है, अगर आपके एलिमेंट सीरीज में कनेक्ट है और सीरीज कॉम्बिनेशन के क्रॉस टोटल वोल्टेज मालूम है तो आप अपने लोड रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज डिवीजन थ्योरम लगा के डायरेक्टली वोल्टेज को निकाल सकते हैं। यहाँ वोल्टेज निकालना आसान है, अगर आपको अपने लोड रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज निकालना होता तो कौन सा मॉडल बनाते बेटा, दैट इज हमेशा थेवेनिन मॉडल बनाते, क्योंकि थेवेनिन मॉडल बनाते ही आपके ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे और इस सीरीज कॉम्बिनेशन के क्रॉस टोटल वोल्टेज मालूम है तो आप अपने लोड रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू को डायरेक्ट निकाल सकते हैं, दैट इज नथिंग बट द वोल्टेज डिवीजन थ्योरम से। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास लोड रजिस्टर से क्या निकालना होता, करंट निकालना होता, तो करंट निकालने के लिए कौन सा मॉडल सबसे बेस्ट होता है, नॉर्टन मॉडल। क्योंकि जब आप नॉर्टन मॉडल बनाएंगे तो आप देखेंगे अगर आपके एलिमेंट किसमें कनेक्ट है, पैरेलल में, क्योंकि जैसे ही आप अपने इस वन पोर्ट नेटवर्क का नॉर्टन मॉडल बनाएंगे आपका लोड रजिस्टर और आपका नॉर्टन रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्रॉस टोटल कितना करंट आ रही है आपको मालूम है तो करंट डिवीजन रूल लगा के आप अपने लोड रजिस्टर के करंट को डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो याद रखिएगा आपका थेवेनिन मॉडल कब यूज किया जाता है, जब आपको लोड रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज अगर पूछा जाए तो आप हमेशा कौन सा मॉडल प्रेफर करिएगा, थेवेनिन मॉडल। और अगर लोड रजिस्टर से करंट पूछा जा रहा है तो कौन सा मॉडल आप प्रेफर करिएगा, दैट इज नॉर्टन मॉडल। आएगा दोनों से सेम आंसर, चाहे आप यहां से करंट निकालो चाहे यहां से, लेकिन अगर लोड पे करंट पूछा जाएगा तो कौन सा मॉडल आपको डायरेक्ट रिजल्ट देगा, नॉर्टन मॉडल। क्योंकि नॉर्टन मॉडल में आप लोड रजिस्टर के करंट को निकालने के लिए कौन सा बेटा लॉ लगा सकते हो, डायरेक्टली करंट डिवीजन रूल लगा के आप डायरेक्टली लोड रजिस्टर के करंट को निकाल सकते हैं। तो इतना बेटा बनाइए, उसके बाद मैं आपको लिखाता हूं कि वन पोर्ट नेटवर्क, जब भी आपको वन पोर्ट नेटवर्क दिया होगा तो वन पोर्ट नेटवर्क को एनालिसिस करने के लिए आप हमेशा या तो थेवेनिन मॉडल यूज करते हैं या फिर नॉर्टन मॉडल यूज करते हैं। और थेवेनिन मॉडल प्रेफर करते हैं जब आपको वोल्टेज निकालना, लोड रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज निकालना हो तो आप हमेशा थेवेनिन मॉडल बनाइएगा, और जब आपको लोड रजिस्टर के थ्रू करंट निकालना हो तो कौन सा मॉडल बनाइएगा, नॉर्टन मॉडल बनाइएगा। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे लिखते हैं। ठीक है, दिस इज ए वन पोर्ट नेटवर्क। वन पोर्ट नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए आप थेवेनिन या फिर नॉर्टन मॉडल यूज करते हैं, ये आप पढ़ चुके थे लेकिन तब आपने ध्यान नहीं दिया था कि एक्चुअली में वो आपका वन पोर्ट नेटवर्क है जिसको आपने सॉल्व किया था वहां पर। पिंकी बेटा थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, लोग लिख रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, सभी को लेके चलना है क्योंकि ये टॉपिक किसी ने पढ़ा नहीं है बेटा। वन पोर्ट डीसी के लिए, अनुराग सुनिए, डीसी के लिए नहीं, एसी के लिए, एसी जनरेटर भी आप बनाएंगे तो भी वैसा ही फिगर बनेगा,
ठीक है, एसी जनरेटर इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ वन पोर्ट नेटवर्क, जनरेटर इज द एग्जाम्पल ऑफ वन पोर्ट नेटवर्क हैविंग द आउटपुट पोर्ट, मोटर इज द एग्जाम्पल ऑफ द वन पोर्ट नेटवर्क हैविंग द इनपुट पोर्ट, डीसी के लिए अप्लीकेबल नहीं है, जो आपका टू पोर्ट या फिर आपका जो पोर्ट के होते हैं आप एसी वोल्टेज भी अप्लाई कर सकते हैं, डीसी वोल्टेज भी अप्लाई कर सकते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। बस वहां मैंने डीसी जनरेटर लिख दिया था क्योंकि डीसी जनरेटर का फिगर बनाना आसान था, इसलिए मैंने डीसी जनरेटर लिख दिया था। बाकी जनरेटर इज द एग्जाम्पल ऑफ वन पोर्ट नेटवर्क हैविंग द आउटपुट पोर्ट एंड दैट इज नथिंग बट द आपका जो है, अगर बात करेंगे मोटर इज द एग्जाम्पल ऑफ वन पोर्ट नेटवर्क हैविंग द इनपुट पोर्ट, मेरे ख्याल से लिख लिया होगा। अब हम लोग आगे चल सकते हैं, ठीक है, चलो लिखे बेटा, लिखना स्टार्ट करें। ए सिंगल पोर्ट नेटवर्क, ए सिंगल पोर्ट नेटवर्क कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग थेवेनिन और नॉर्टन्स मॉडल। थेवेनिन और नॉर्टन्स मॉडल बना के आप सिंगल पोर्ट नेटवर्क को सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर लिखेंगे थेवेनिन मॉडल कब प्रेफर किया जाता है, थेवेनिन मॉडल तब प्रेफर किया जाता है जब आपको लोड के क्रॉस वोल्टेज निकालना हो। थेवेनिन मॉडल इज प्रेफर्ड व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस लोड इज कैलकुलेटेड। अगर लोड के अक्रॉस, हेलो, लोड के क्रॉस अगर वोल्टेज निकालना होता तो कौन सा मॉडल ज्यादा जल्दी रिजल्ट देता है। हेलो, करंट डिवीजन में क्या करते, अगर वोल्टेज निकालना होता तो पहले करंट निकालते फिर ओम्स लॉ लगा के वोल्टेज निकालते। लेकिन अगर वोल्टेज निकालना है तो थेवेनिन मॉडल से डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, वोल्टेज डिवीजन थ्योरम लगा के वोल्टेज को निकाल सकते हैं। तो जब भी वोल्टेज निकालना होगा लोड के क्रॉस तो हमेशा आप थेवेनिन मॉडल बनाइएगा, करंट निकालना होगा तो नॉर्टन मॉडल बनाइएगा, नॉर्टन मॉडल इज प्रेफर्ड व्हेन द करंट थ्रू द लोड इज कैलकुलेटेड। अगर आपको अपने लोड के थ्रू करंट निकालना है तो नॉर्टन मॉडल बनाइएगा, करंट डिवीजन से आसानी से आ जाएगा करंट, और अगर वोल्टेज निकालना है लोड के क्रॉस तो थेवेनिन मॉडल प्रेफर करेगा। लेकिन अगर सिंगल पोर्ट नेटवर्क है तो हमेशा थेवेनिन या फिर नॉर्टन मॉडल से सब आपका सॉल्व हो पाएगा, उसके अलावा बहुत कम ही मेथड है जिससे सॉल्व हो पाएगा। तो मेनली वन पोर्ट नेटवर्क को आप सॉल्व करते हैं थेवेनिन या फिर नॉर्टन मॉडल से। तो वन पोर्ट नेटवर्क तो तुम लोग पढ़ चुके हो, इसका मतलब तो वन पोर्ट नेटवर्क तो तुम लोग को पढ़ाना नहीं है, थेवेनिन एंड नॉर्टन मॉडल से सॉल्व होगा। अब हम बात चलते हैं टू पोर्ट नेटवर्क के एग्जाम्पल की तरफ। व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क, तो हेडिंग डालेंगे एग्जाम्पल ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क। मेरे ख्याल से हो गया होगा, अगर हो गया हो तो आप बता दीजिए तो आगे चले। हेडिंग डाल लीजिए बेटा एग्जाम्पल्स ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क। पहले तो एग्जाम्पल समझ ले, पढ़ेंगे तो बात, एग्जाम्पल्स ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क। टू पोर्ट नेटवर्क में कितने बेटा पोर्ट होंगे, दो पोर्ट होंगे, कितने पोर्ट होंगे, दो पोर्ट होंगे, ठीक है। चलो पहले तो मैं इसका
ब्लॉक डायग्राम आपको दिखा देता हूँ, टू पोर्ट नेटवर्क का ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, वहां से आपको पहचानने में आसानी होगी। दो पोर्ट होंगे, आप इनपुट और आउटपुट पोर्ट भी बोल सकते हैं, फिर पोर्ट वन और पोर्ट टू भी बोल सकते हैं, ठीक है, मेरे ख्याल से हो गया है। नाउ ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो जो टू पोर्ट नेटवर्क होता है इसमें जो एलिमेंट होते हैं लीनियर कॉमा पैसिव एंड बाइलेटरल एलिमेंट होते हैं। और बेटा टू पोर्ट नेटवर्क में दो पोर्ट होते हैं, एक इनपुट साइड पोर्ट होगा, पोर्ट इन नथिंग बट द पेयर ऑफ टर्मिनल, एक पेयर ऑफ टर्मिनल इनपुट साइड पे होगा जिसको मैं पोर्ट वन बोल रहा हूं, और एक पेयर ऑफ टर्मिनल आउटपुट साइड पे होगा जिसको मैं आउटपुट पोर्ट बोल रहा हूं। दिस इज इनपुट पोर्ट बोलिए, या फिर आप इसको पोर्ट वन भी बोल सकते हैं बेटा, जरूरी नहीं कि हमेशा इनपुट वर्ड यूज किया जाए, पोर्ट वन भी बोल सकते हैं। और ये आपका आउटपुट पोर्ट है या फिर दूसरा पोर्ट है, दिस इज नोन एज ए आउटपुट पोर्ट, या फिर पोर्ट टू भी बोल सकते हैं। दो पोर्ट होंगे, दो पोर्ट हो गए। अब पोर्ट में वोल्टेज और करंट कैसे मानते थे, इनपुट पोर्ट में वोल्टेज कितना मानते थे V1 और करंट मानते थे I1, करंट कितना मानते थे I1, चूंकि ये पेयर ऑफ, ये जो टर्मिनल है ये पेयर ऑफ टर्मिनल पोर्ट है, तो अगर एक टर्मिनल से I करंट इंटर करा तो उतना ही करंट दूसरे टर्मिनल से क्या भी करेगा, लीव करेगा, ठीक है। ये आपका आउटपुट पोर्ट है, आउटपुट पोर्ट में वोल्टेज कितना मानते थे V2 और करंट कितना मानते थे I2, चूंकि ये जो पेयर ऑफ टर्मिनल है ये पोर्ट है, पोर्ट की प्रॉपर्टी होती है एक टर्मिनल से जितना करंट इंटर करेगा अंदर जब वो जाएगा तो जाने के बाद दूसरे टर्मिनल से कितना करंट ही वापस आएगा, I2 ही वापस आएगा, ठीक है। दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क। अब देखो एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, काफी फेमस एग्जाम्पल है टू पोर्ट नेटवर्क के, तीन काफी फेमस है, एक्टिव पैसिव दोनों होता है सब जी, नहीं जनरली पैसिव एलिमेंट ही होता है, ठीक है, जनरली पैसिव एलिमेंट ही होता है टू पोर्ट के अंदर, टू पोर्ट के अंदर पैसिव एलिमेंट ही होता है, एक्टिव एलिमेंट नहीं होता। आगे चल के मैं नोट लिखाऊंगा, अभी हम लोग समझ रहे हैं, चलो तो मेरे ख्याल से इतना आपने बना लिया होगा। दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क। अब एग्जाम्पल समझते हैं, फेमस एग्जाम्पल है टू पोर्ट नेटवर्क का ट्रांसफॉर्मर, ट्रांजिस्टर एंड आपका ट्रांसमिशन लाइन, फेमस एग्जाम्पल, द फेमस एग्जाम्पल ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क आर, कौन कौन है फेमस एग्जाम्पल, ट्रांसफॉर्मर, दूसरा BJT एंड ट्रांसमिशन लाइन। देख लीजिए BJT भी आ गया, ट्रांसमिशन लाइन इसीलिए आप पढ़ रहे हैं एंड एक्सेट्रा, इलेक्ट्रिकल वालों का ट्रांसमिशन, इसी वालों का BJT, ये टू पोर्ट नेटवर्क है, इन्हीं को आपको आगे चल के पढ़ना है, इसीलिए इस टॉपिक को पढ़ा जा रहा है, टॉपिक हमें पढ़ना है टू पोर्ट नेटवर्क। टू पोर्ट नेटवर्क पढ़ने से पहले मैंने आपको सिंगल पोर्ट नेटवर्क के बारे में बताया, और सिंगल पोर्ट नेटवर्क आप अनजाने में पढ़ चुके हैं DC थ्योरम में, थेवेनिन एंड नॉर्टन मॉडल अनजाने में पढ़ लिया था तब मालूम नहीं था, आज मालूम चल गया कि आप जो है थेवेनिन एंड नॉर्टन मॉडल्स यूज किए जाते हैं वन पोर्ट नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए। कभी भी जिंदगी में वन पोर्ट नेटवर्क किया होगा उन्हीं दोनों मेथड से वो सॉल्व होगा। चलिए यहां तक लिख लिया है, आगे चले। हाँ बेटा ममता, एक बार आपने बना लिया फिर से बनाना है, क्योंकि यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। चलिए पहले मैं ट्रांसफार्मर का एग्जांपल लेता हूँ, ध्यान से देखिए क्या ट्रांसफार्मर टू पोर्ट नेटवर्क है, ध्यान से देखिए ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं,
ट्रांसफार्मर में आप देखेंगे आपका एक प्राइमरी साइड होता है, एक सेकेंडरी साइड होता है। ट्रांसफार्मर में दो साइड होते हैं, प्राइमरी साइड के वोल्टेज को V1 से प्रिंट करते हैं और प्राइमरी साइड के करंट को I1 से प्रिंट करते हैं। वहीं सेकेंडरी साइड के वोल्टेज को V2 से प्रिंट करते हैं और करंट को I2 से प्रिंट करते हैं। नाउ ध्यान से देखिए, ट्रांसफार्मर एक प्राइमरी साइड होता है, दिस इज प्राइमरी साइड। नाउ ये कपलिंग दिखाते हैं, दो लाइनें दिखाने का मतलब ये दोनों क्वाइल जो होंगी या फिर वाइंडिंग्स होंगी एक दूसरे से मैग्नेटिक कपल्ड होंगी। नाउ दिस इज सेकेंडरी साइड, दिस इज सेकेंडरी साइड, ठीक है। नाउ टर्न रेशियो मान लेते हैं, पहली प्राइमरी वाइंडिंग में कितने टर्न है, एन वन टर्न है, सेकेंडरी वाइंडिंग में कितने टर्न है, एन टू। हेलो ये वाइंडिंग है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग में कितना टर्न है, एन वन। ये सेकेंडरी वाइंडिंग है जिसमें कितना नंबर ऑफ टर्न है, एन टू। तो प्राइमरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न और आपके सेकेंडरी साइड के नंबर ऑफ टर्न का रेशियो कितना है, एन वन बाई एन टू, ठीक है। ध्यान से अब देखिए, बना रहा हूं, ये प्राइमरी साइड है, दिस इज प्राइमरी साइड और इसको हम बोल रहे हैं सेकेंडरी साइड। अभी मैं आपको नॉर्मल शब्दों में समझा रहा हूं, ठीक है, स्टेप अप स्टेप डाउन के नहीं यूज कर रहा, ना ही आपका एचवी और एमवी साइड यूज कर रहा हूं, प्राइमरी सेकेंडरी यूज करें, क्योंकि जब इलेक्ट्रिकल वाले पढ़ेंगे तो हम वहां पर ये सब वर्ड यूज करेंगे, सभी पढ़ रहे हैं इसलिए प्राइमरी और सेकेंडरी यूज करें। प्राइमरी के वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं आप वी वन से, प्राइमरी के करंट को किससे प्रिंट करते हैं, I1। जरा देखिए प्राइमरी करंट कैसे फ्लो करेगा, हेलो प्राइमरी करंट प्राइमरी वाइंडिंग से फ्लो करेगा, I1, दिस इज I1, दिस इज I1, क्लियर है क्या। और जब आप देखेंगे जब प्राइमरी का करंट प्राइमरी वाइंडिंग से फ्लो करेगा तो यहां पर EMF जनरेट होगा, उस EMF को हम बोल देते हैं E1, ठीक है, दिस इज ई वन। एसी करंट जब फ्लो करता है, एसी करंट की वजह से फ्लक्स आता है, फ्लक्स लिंक करेगा तो इस वाइंडिंग के क्रॉस वोल्टेज डेवलप होगा फैराडे लॉ की हेल्प से, ठीक है। यहां पर ध्यान से देखिए, अब सेकेंडरी साइड पे देखते हैं, अब देखेंगे जैसी प्राइमरी करंट प्राइमरी जैसी प्राइमरी करंट आपका प्राइमरी करंट प्राइमरी वाइंडिंग से फ्लो करेगा फ्लक्स जनरेट होगा, ये फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग से क्या करेगा, लिंक करेगा। जब फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करेगा तो सेकेंडरी के क्रॉस भी क्या डेवलप होगा, ईएमएफ डेवलप होगा, सेकेंडरी के क्रॉस क्या डेवलप होगा, ईएमएफ। मैंने मान लिया सेकेंडरी ईएमएफ कितना है, ई टू, कितना है ई टू। अब आप ध्यान से सुनिए, अगर मैं सेकेंडरी में क्या लगा दूंगा बेटा, लोड लगा दूंगा तो सेकेंडरी का सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, करंट फ्लो करेगा सेकेंडरी में ऐसे, तो सेकेंडरी करंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, सेकेंडरी करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज आई टू से। लोड लगा देंगे तो सेकेंडरी करंट की डायरेक्शन कैसी होगी बेटा, सेकेंडरी करंट I2 ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा सेकेंडरी करंट, तो दिस इज नथिंग बट द I2। I2 आपका आगे से फ्लो करेगा, लोड लगा होगा ऐसे आपका इन करेगा। नाउ अब ये बताओ, जब सेकेंडरी करंट बेटा लोड से फ्लो करेगा, जब ये I2 करंट फ्लो करेगा तो इस सेकेंडरी या फिर लोड के क्रॉस वोल्टेज होगा, लोड के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वही आपका टर्मिनल वोल्टेज होगा, टर्मिनल वोल्टेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं सेकेंडरी के टर्मिनल वोल्टेज को V2 से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंडरी के टर्मिनल वोल्टेज को V2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सेकेंडरी का टर्मिनल वोल्टेज है V2, ये प्लस ये माइनस, क्लियर है क्या, ये सेकेंडरी का टर्मिनल वोल्टेज है। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या ट्रांसफार्मर आपको एक टू पोर्ट नेटवर्क की तरह दिख रहा है क्या, क्या ट्रांसफार्मर आपको एक टू पोर्ट नेटवर्क की तरह दिख रहा है क्या, क्या ट्रांसफार्मर में दो पोर्ट हैं क्या, पोर्ट क्या होता है, पेयर ऑफ टर्मिनल। ध्यान से देखिए, क्या ट्रांसफार्मर में पेयर ऑफ टर्मिनल है जिनको हम पोर्ट बोल सकते हैं, ध्यान से देखिए, यहां पर ध्यान से देखिए, नाउ ये दो टर्मिनल हैं, ये दो टर्मिनल हैं, इनपुट साइड पे देखिए, इनपुट साइड पे दो टर्न है,
एक टर्मिनल से जितना करंट इन कर रहा है उतना ही करंट क्या कर रहा है, आउट कर रहा है। तो ये पेयर ऑफ टर्मिनल क्या है, पोर्ट वन प्राइमरी साइड पे ये पोर्ट वन है, सेकेंडरी साइड पे देखिए, हेलो सेकेंडरी साइड में दो टर्मिनल है, जितना करंट एक टर्मिनल से इन कर रहा है उतना ही करंट दूसरे टर्मिनल से आउट कर रहा है। तो आपका जो है जो सेकेंडरी साइड के टर्मिनल है वो भी क्या है, पोर्ट है। तो एक पोर्ट ये है, एक पोर्ट ये है, इसको आप प्राइमरी पोर्ट बोल सकते हैं और इसको सेकेंडरी पोर्ट, या फिर इसको इनपुट पोर्ट बोल सकते हैं, इसको आउटपुट पोर्ट बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना। तो ट्रांसफॉर्मर कैसा बेटा नेटवर्क है, टू पोर्ट, आपका एक प्राइमरी साइड पे इनपुट पोर्ट है और आपका सेकेंडरी साइड पे आपका आउटपुट पोर्ट है, ठीक है। लेकिन आप जब जो है करंट मानते हैं तो सारा करंट अंदर की तरफ मानते हैं। तो इस फिगर को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, ध्यान से देखिए, इस फिगर को आप ऐसे भी बना सकते हैं, अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनाना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बना देता हूँ। देखिए, अच्छा ये बताओ, ट्रांसफॉर्मर में सेकेंडरी साइड पे आई टू करंट आपका ऐसे फ्लो कर रहा है, अगर इस डायरेक्शन में, इस ब्रांच में आई टू करंट फ्लो कर रहा है तो इस डायरेक्शन में कितना करंट फ्लो करेगा बताओ। अगर इस ब्रांच में, इस डायरेक्शन में आई टू करंट हो तो इस डायरेक्शन में कितना करंट फ्लो करेगा, माइनस आई टू, कितना करंट फ्लो करेगा। अगर मान लीजिए एक ब्रांच है, उस ब्रांच में अपवर्ड डायरेक्शन में आई टू करंट फ्लो कर रहा है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर करंट पूछा जाए तो कितना करंट आएगा, माइनस आई टू। तो आपके ट्रांसफॉर्मर में आपका इस ब्रांच में I2 करंट फ्लो कर रहा है, या फिर ये ब्रांच सेकेंडरी से एसोसिएटेड है, सेकेंडरी करंट I2 होता है, तो अगर मैं अंदर की तरफ करंट दिखा दूं तो अंदर की तरफ कितना करंट होगा, माइनस I2। तो इसी फिगर को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। आप देखिए, जब आपने टू पोर्ट नेटवर्क डिफाइन किया तो टू पोर्ट नेटवर्क में हमेशा करंट अंदर की साइड दिखाते थे, अंदर की साइड, प्राइमरी में तो करंट अंदर की साइड है, सेकेंडरी में बाहर की साइड जा रही, बाहर की साइड दिखाना है, दिखा लो, माइनस कर दो करंट, इतना बनाओ पहले, फिर इसी फिगर को हम लोग एक और तरीके से बनाते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर कैसा नेटवर्क है, टू पोर्ट नेटवर्क है, दिस इज वन पोर्ट, दिस इज ए वन पोर्ट एंड दिस इज ए टू पोर्ट। तो ट्रांसफॉर्मर को एनालिसिस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मर एक टू पोर्ट नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, टू पोर्ट नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, तो मुझे इसकी एनालिसिस करने के लिए मुझे टू पोर्ट मॉडल को क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। टू पोर्ट मॉडल को यूज करके, टू पोर्ट मॉडल को यूज करके मैं ट्रांसफॉर्मर को क्या कर सकता हूँ, एनालाइज कर सकता हूँ, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर एक तरह का टू पोर्ट नेटवर्क है। इसी चीज को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इतना बना लियो तो आगे चले, सेम फिगर को आप ऐसे भी बना सकते हैं, इस करंट को अंदर की साइड दिखा दीजिए, अगर बाहर की साइड I2 करंट फ्लो कर रहा है तो अंदर की साइड माइनस I2, दोनों सेम ही चीज है। आप इस फिगर को ऐसे भी दिखा सकते हैं, नाउ दिस इज द प्राइमरी साइड, दिस इज प्राइमरी साइड एंड दिस इज द सेकेंडरी साइड, प्राइमरी साइड के वोल्टेज को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं V1 से, और प्राइमरी साइड के करंट को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं I1 से। I1 करंट आपका प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लो करेगा, जब ये I1 करंट प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लो करेगा तो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, फ्लक्स की वजह से प्राइमरी वाइंडिंग के क्रॉस EMF आएगा। जब आपका प्राइमरी करंट प्राइमरी वाइंडिंग फ्लो करेगा तो फ्लक्स आपका सेकेंडरी से भी लिंक करेगा, जिसकी वजह से सेकेंडरी पे भी क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा E2, और इस E2 की वजह से सेकेंडरी करंट आएगा, लोड लगाएंगे तब सेकेंडरी करंट आएगा, मान लो कितना सेकेंडरी करंट आएगा, I2, I2 की डायरेक्शन ये है, लेकिन अगर इस ब्रांच में, इस डैश में I2 है तो इस डैश में कितना करंट आएगा, माइनस I2। तो मैं अंदर की साइड दिखा रहा हूँ करंट, इस बार मैं करंट अंदर की साइड दिखा रहा हूँ, I2 आप बाहर की साइड दिखाओ या फिर अंदर की साइड कितना करंट दिखा सकते हो, माइनस I2। अगर इस डायरेक्शन में माइनस I2 है तो इस डायरेक्शन में कितना होगा I2, बात एक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यह माइनस I2 करंट कैसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा, दिस इज माइनस I2, दिस इज माइनस I2 एंड दिस इज माइनस I2, ठीक है। टर्मिनल, सेकेंडरी के टर्मिनल वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं V2 से, प्लस एंड माइनस, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द ट्रांसफॉर्मर, और जनरली ट्रांसफॉर्मर कैसे नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है,
टू पोर्ट नेटवर्क, दो पोर्ट है बेटा, एक इनपुट साइड पर पोर्ट है, दूसरा आउटपुट। इनपुट साइड पे जो पोर्ट होता है वो प्राइमरी साइड पे होता है और आउटपुट पोर्ट आपका सेकेंडरी साइड पे होता है। चाहे आप ऊपर वाला दिखाओ चाहे नीचे वाला, बात क्या है, सेम है। ये है प्राइमरी साइड और ये है बेटा सेकेंडरी साइड। ठीक है, चाहे आप ऐसे दिखाओ, चाहे आप ऐसे दिखाओ, करंट आई टू बाहर की तरफ दिखाओ या फिर माइनस आई टू करंट अंदर की साइड दिखाओ, बात क्या है, सेम है, कोई अंतर नहीं है। ओनली बीजेटी इज टू पोर्ट, मॉस्फेट इज नॉट। बेटा मॉस्फेट में क्या होता है, इनपुट करंट फ्लो नहीं करता है, इनपुट इंपीडेंस उसका बहुत ज्यादा होता है। मॉस्फेट इज हैविंग वेरी वेरी हाई इनपुट इंपीडेंस, तो करंट बिकम्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, करंट बिकम्स इक्वल टू जीरो। तो जनरली बीजेटी आपका टू पोर्ट नेटवर्क है, मॉस्फेट या फिर फेट का इनपुट इंपीडेंस ज्यादा होता है तो करंट इन नहीं कर पाता है, उसमें इनपुट करंट जीरो होता है। तो जनरली आपका बीजेटी आपका जो है क्या है, टू पोर्ट नेटवर्क है। दिखा रहा हूं कैसे है टू पोर्ट नेटवर्क बीजेटी। हो गया हो तो आगे बढ़े। मेरे ख्याल से आप लोगों ने बना लिया होगा, ट्रांसफॉर्मर इज द एग्जांपल ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क। चलिए नेक्स्ट, बीजेटी इज द एग्जांपल ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क। चलो बीजेटी को देखते हैं। बीजेटी इज द एग्जांपल ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क। चलो नाउ बीजेटी इज द एग्जांपल ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क, बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बीजेटी को जनरली ट्रांजिस्टर भी बोला जाता है, पहला ट्रांजिस्टर यही था बीजेटी। ठीक है, चलो बीजेटी की बात करते हैं ना। बीजेटी थ्री टर्मिनल डिवाइस होता है, ध्यान से देखिएगा, बीजेटी ये थ्री टर्मिनल डिवाइस। Now this is a BJT, this is collector, this is base and this is emitter. इसी वाले ध्यान से देखेंगे, BJT जो थ्री टर्मिनल डिवाइस, तीन टर्मिनल होते हैं, एक होता है कलेक्टर, एक होता है BJT और एक होता है emitter. ठीक है, Now अब देखिए ये टू पोर्ट नेटवर्क कैसे होता है, बना रहा हूं। Now ये आपके जो है कलेक्टर और एमिटर आपके आउटपुट टर्मिनल होते हैं और एमिटर और बेस आपके इनपुट टर्मिनल होते हैं। ठीक है, नाउ ध्यान से देखिएगा, ये कॉमन मैंने लगाया। ठीक है, नाउ दिस इज एमिटर रेजिस्टेंस आर, इसको ग्राउंड किया हुआ, दिस इज द ग्राउंड। ठीक है, नाउ दिस इज कलेक्टर रेजिस्टेंस, कलेक्टर रेजिस्टेंस को आप आरसी से रिप्रेजेंट करते हैं और बेस करंट काफी कम होता है तो बेस का रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, आर बी से रिप्रेजेंट करते हैं। बेस रेजिस्टेंस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई आर बी। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द, एक वोल्टेज यहां अप्लाई किया कलेक्टर और एमिटर के बीच में, उसको बोलते हैं वीसीसी, दिस इज वीसीसी प्लस माइनस। ठीक है, और नाउ बेस करंट को फ्लो कराने के लिए जैसे ही आप यहां पर वीसीसी अप्लाई करेंगे क्या फ्लो करेगा, कलेक्टर करंट। ठीक है, एन टाइप ले रहे हैं, एन टाइप
बीजेटी के सिंबल में यहाँ पर एरो बना होता है, एरो जिस डायरेक्शन में होता है, हेलो, ये जो एरो जिस डायरेक्शन में होता है उसी डायरेक्शन में एमिटर करंट फ्लो करता है। अगर मैं एरो इस डायरेक्शन में फ्लो कर दूंगा तो पी आपका जो है पी टाइप बीजेटी होगा, ठीक है। यहां पर आपका जो है एमिटर करंट जिस डायरेक्शन में एरो होगा उसी डायरेक्शन में एमिटर करंट फ्लो, ये आपका क्या है एन बीजेटी, ठीक है, एन टाइप, दैट इज एन पी एन, ये आपका एन पी एन है, वो क्या होगा पी एन पी। सिंबल मैं बना देता हूं, ध्यान से देखिए, ये आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है एनपीएन ट्रांजिस्टर का। दिस इज कलेक्टर, दिस इज एमिटर, दिस इज बेस, ये है एनपीएन ट्रांजिस्टर और दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ, अंदर की साइड एरो लगा है, दिस इज बीजेटी, दिस इज बेस कलेक्टर एंड दिस इज एमिटर, दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंट पी एन पी ट्रांजिस्टर। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर एरो बाहर की साइड है तो एमिटर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, यहां पर एरो अंदर की साइड है तो एमिटर करंट आपका अंदर की तरफ फ्लो करेगा। जिस डायरेक्शन में एरो होता है उसी डायरेक्शन में एमिटर करंट फ्लो करता है। अभी बना रहा हूं, ध्यान से देखते जाइए। बेस करंट को फ्लो कराने के लिए आपने यहां पर सप्लाई कनेक्ट की, दिस इज कॉल्ड वी बी बी, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। चलो सप्लाई के जो है मैं यहां पर वी बी लिख देता हूं, वी बी बी, और नाउ इसको हम गोले में बंद कर देते, ना भी बंद करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस इज द बीजेटी, अभी मैं करंट की डायरेक्शन बना रहा हूं, देखते जाइए। अच्छा, करंट किस दिशा में फ्लो करेगा जरा ये बताओ, आपने बैटरी ऐसे लगा रखी, बैटरी के मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, अब बेस टर्मिनल में कौन सा करंट फ्लो करता है, बेस, तो बेस करंट की डायरेक्शन आपको क्लियर होनी चाहिए, बेस करंट किस दिशा में फ्लो करेगा, दिस इज बेस करंट। यहां पर आप देखेंगे, यहां भी आपने बैटरी लगा रखी, यहां बैटरी है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करेगा तो कलेक्टर करंट कैसे फ्लो करेगा, हेलो, ये करंट आपका किस टर्मिनल फ्लो करा, कलेक्टर टर्मिनल में, तो दिस इज नथिंग बट द कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट कैसे फ्लो करेगा, नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कलेक्टर करंट, दिस इज कलेक्टर करंट, कलेक्टर टर्मिनल में कलेक्टर करंट फ्लो करता है, बेस टर्मिनल में बेस करंट फ्लो करता है, एमीटर टर्मिनल में कौन सा करंट फ्लो करता है, एमीटर करंट, हेलो, एरो की डायरेक्शन देख के बनाएंगे, इस डायरेक्शन में एरो है तो एमीटर करंट नीचे की डायरेक्शन फ्लो करेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एमीटर करंट। अब जरा मुझे रिलेशन बताओ, बीजेटी में क्या रिलेशन होता है, बीजेटी में आपका जो एमिटर करंट होता है वो किसके बराबर होता है, बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, ईसी वालों ने पढ़ा होगा और इलेक्ट्रिकल वालों को भी आता होगा, एमिटर करंट जो होता है वो बेस करंट और कलेक्टर करंट के सम के बराबर होता है, क्यों होता है जरा ध्यान से देखिए, नेटवर्क में पढ़ चुके हैं आप लोग, ध्यान से देखिए मैं बताता हूं आपको, पहले इतना बना लीजिए फिर मैं रिलेशन लिखता हूं बीजेटी में, ध्यान से देखिएगा बीजेटी में, अभी मैं बता रहा हूं ये टू पोर्ट नेटवर्क है कैसे, अभी बता रहा हूं। अच्छा ये बताइए, आप बीजेटी जो होते हैं बाजार से खरीद के लाते हैं, अब जरा ध्यान से सुनिए बेटा जो मैं आपको बोल रहा हूं, बीजेटी जब आप बाजार से खरीद के लाते हैं तो उसमें आप सप्लाई देते हो, क्या फ्लो करने लगता है, करंट फ्लो करने लगता है, ठीक है। बीजेटी जो होता है, बीजेटी चिप होती है, चिप के अंदर एक सर्किट डिजाइन होता है और जैसे ही आप सप्लाई कनेक्ट करते हैं आपको बीजेटी से इमीडिएटली आउटपुट मिल जाता है, बीजेटी एम्पलीफिकेशन का काम करता है, इनपुट में जो आप सिग्नल देंगे उसको एम्पलीफाई करके आउटपुट में दे देगा,
तो आप देखेंगे बीजेटी में क्या हुआ, आपने इनपुट दिया अंदर बीजेटी की जो चिप होती है उसके अंदर हमेशा आईसी फॉर्म में बीजेटी आता है, बीजेटी हमेशा आईसी फॉर्म पे आता है, तो आईसी के अंदर क्या डिजाइन करते हैं, सर्किट डिजाइन करते हैं। जैसे ही आपने इनपुट दिया, अगर सर्किट डिजाइन होगा, सर्किट कैसा पाथ होता है, क्लोज पाथ होता है, सर्किट इज ऑलवेज क्लोज पाथ, तो बीजेटी के अंदर सर्किट डिजाइन होता है। जैसे ही इनपुट दिया करंट फ्लो करेगा और इमीडिएटली आपको क्या मिल जाएगा, आउटपुट। तो हमेशा जो बीजेटी होता है, बीजेटी के अंदर क्या डिजाइन होता है, सर्किट डिजाइन होता है। सर ने आपको पढ़ाया था केसीएल का एडवांस वर्जन, किसी भी कोई भी जो सर्किट होता है वो हमेशा कैसे पाथ को फॉलो करता है, क्लोज पाथ। हर एक सर्किट कैसे पाथ को फॉलो करता है, क्लोज पाथ। हर एक सर्किट क्लोज पाथ होता है। अगर पाथ क्लोज होता है तो क्लोज पाथ के अराउंड क्या लगा सकते हैं, केसीएल लगा सकते हैं। सर ने बताया था किसी भी क्लोज बाउंड्री के अराउंड क्या लगा सकते हैं, केसीएल लगा सकते हैं। तो बीजेटी, बीजेटी के अंदर क्या डिजाइन होता है, सर्किट। क्योंकि नेटवर्क में कुछ ब्रांच में करंट फ्लो करता है, कुछ में नहीं फ्लो करता, तो अगर नेटवर्क डिजाइन होगा तो जरूरी थोड़ा है कि हर एक ब्रांच में करंट फ्लो करे आपको आउटपुट मिले। आउटपुट आपको तभी मिलेगा जब सर्किट कैसा होगा, पूरा पूरा क्लोज, इनपुट दिया इमीडिएटली आउटपुट मिला, 100% हर एक ब्रांच में करंट फ्लो करेगा, करंट आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो बीजेटी एक आईसी होता है, जितनी भी आईसी होती है हर एक आईसी के अंदर हमेशा क्या डिजाइन करते हैं, सर्किट डिजाइन करते हैं। तो ये बीजेटी है, इसमें क्या डिजाइन है, सर्किट है, सर्किट डिजाइन है। सर्किट मतलब ये कैसा पाथ को, कैसे पाथ को फॉर्म करे, क्लोज पाथ। अगर आपका बीजेटी एक क्लोज पाथ, सर्किट डिजाइन है तो ये क्लोज पाथ है। क्लोज पाथ के राउंड क्या कर सकते हैं, बीजेटी इज नथिंग बट ए सर्किट, सर्किट इज नथिंग क्लोज पाथ। क्लोज पाथ के राउंड क्या कर सकते हैं, किसी भी क्लोज पाथ में के राउंड केसीएल, केसीएल क्या होता है, किसी भी क्लोज पाथ में जितना करंट इन करेगा उतना ही करंट क्या करेगा, आउट करेगा। तो नाउ ध्यान से देखिए, बीजेटी, बीजेटी कैसा नेट, बीजेटी के अंदर होता है सर्किट, सर्किट मतलब क्लोज बाउंड्री, इसलिए मैंने सर्किल लगा दिया था। बीजेटी क्या है, बीजेटी के अंदर सर्किट, क्लोज बाउंड्री। इस क्लोज बाउंड्री में जितना भी करंट इन करेगा, कितना करंट इन कर रहा है, यहां से आईबी और यहां से आईसी, बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, जितना करंट किसी भी सर्किट में जितना करंट इन करेगा उतना ही करंट आउट करेगा। तो अगर मैं केसीएल लगा सकता हूँ किसी भी क्लोज बाउंड्री या फिर किसी भी सर्किट के राउंड, क्या कर सकते हैं आप, केसीएल लगा सकते हैं। केसीएल क्या बोलेगा कि आपका बीजेटी के अंदर डिजाइन है, बीजेटी के अंदर क्या डिजाइन होता है, सर्किट, सर्किट का क्लोज बाउंड्री है, क्लोज बाउंड्री, क्लोज बाउंड्री के राउंड जितना भी करंट इन किया, कितना करंट इन किया, आईबी प्लस आईसी, तो कितना करंट आउट करेगा, आईबी प्लस आईसी। और बेटा इसी करंट को बोल रहे हैं दैट इज एमीटर करंट। तो एमीटर करंट हमेशा किसके बराबर होता है बीजेटी में, बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट के बराबर होता है। याद रखिएगा, आपका जो बीजेटी में जो एमीटर करंट होता है, बीजेटी में जो एमीटर करंट होता है वो किसके बराबर होता है, बेस करंट प्लस कलेक्टर। अब ध्यान से देखिए बेटा, जरा ध्यान से देखिए, यहां से कितना करंट आ रहा है, एमीटर करंट मतलब बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। अब यहां पर देखिए, यहां पर ये नोड है, ये आपका जो बेस करंट और कलेक्टर करंट इस नोड में आने के बाद डिवाइड हो जाए, यहां पर कितना करंट फ्लो करेगा, हेलो, यहां पर कितना करंट फ्लो करेगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट इंटर करता है उतना ही क्या करता है, निगेटिव टर्मिनल से इंटर भी करेगा। पॉजिटिव टर्मिनल से कितना करंट आपका लीव किया था, आईसी, तो निगेटिव टर्मिनल से कितना करंट आएगा, आईसी। तो आप देखेंगे यहां से आईबी प्लस आईसी आ रहा है, इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा, आईसी। अब यहां पर देखो, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कितना करंट लीव किया था, आईबी, जितना लीव किया उतना आना भी चाहिए। अब यहां से आईबी प्लस आईसी आ रहा है, तो ये जो आईबी प्लस आईसी है, ये जो आईबी प्लस आईसी है जिसको हम कलेक्ट, दैट इज एमीटर करंट बोला, ये करंट इन दोनों ब्रांच में डिवाइड हो, यहां पर कितना करंट जाएगा, आईबी, और यहां पर कितना करंट जाएगा, आईसी। यहां मैं लिख रहा हूं बेटा, यहां पर दोनों करंट आएंगे और ये कलेक्टर करंट यहां तक आएगा, जो कि बेस करंट और आपका एमीटर करंट यहां तक आएगा। एमीटर करंट फ्लो करते करते इस नोड पे आएगा, जो कि बेस करंट और कलेक्टर करंट के बाद, इस नोड पे आने के बाद एमीटर करंट डिवाइड हो जाएगा। एमीटर करंट में से जो बेस वाला करंट है वो यहां पर आपका इस ब्रांच में फ्लो कर जाएगा और कलेक्टर करंट इस वाले ब्रांच में फ्लो कर जाएगा, क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट इंटर करेगा उतना ही लीव करेगा। आप देखेंगे यहां पर इस बैटरी से आईसी करंट इंटर किया था, तो आईसी ही क्या करना है, आईसी करंट लीव किया था तो आईसी करंट इंटर करेगा, यहां पर इस बैटरी से आईबी करंट लीव किया था तो आईबी करंट इंटर करेगा। तो अब जरा देखो, क्या ये आपको टू पोर्ट नेटवर्क दिखा क्या, बीजेटी, क्या आपको एक टू पोर्ट नेटवर्क दिखा क्या, ध्यान से देखिए जरा बीजेटी को,
बीजेटी आपको एक टू पोर्ट नेटवर्क की तरह दिखा क्या? देखते हैं दिखा कि नहीं। मेरे ख्याल से तो दिखना चाहिए। बीजेटी क्या एक टू पोर्ट नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है? ध्यान से देखिए, टू पोर्ट में कितने पोर्ट होते हैं? दो पोर्ट होते हैं। जरा देखें यहां, क्या ये दोनों टर्मिनल पोर्ट हैं क्या? आप देखेंगे इन दो टर्मिनल में से एक टर्मिनल से जितना करंट इन कर रहा है उतना ही करंट आउट कर रहा है। तो ये एक पेयर ऑफ टर्मिनल है जिसमें एक टर्मिनल से जितना करंट इंटर किया उतना ही लीव किया। तो ये पेयर ऑफ टर्मिनल क्या है? पोर्ट है। यहां भी देखिए, हेलो, यहां पर देखिए, अगर मैं यहां की बात करूं, इन दोनों पेयर ऑफ टर्मिनल को देखिए, इन दो पेयर में से जितना करंट आपका इन कर रहा है उतना ही करंट आउट कर रहा है। तो ये पेयर ऑफ टर्मिनल भी क्या है? पोर्ट है। दिस इज द वन पोर्ट एंड दिस इज द सेकंड पोर्ट। तो बीजेटी इज व्हाट? बीजेटी इज नथिंग बट ए टू पोर्ट नेटवर्क। कैसा नेटवर्क है? टू पोर्ट नेटवर्क है। अगर ये टू पोर्ट नेटवर्क है तो इसको एनालाइज करने के लिए आपको टू पोर्ट पैरामीटर का यूज करना पड़ेगा। इसको कैसे एनालाइज करेंगे वो बाद में देखेंगे। अभी आपको ये समझ में आना चाहिए कि टू पोर्ट नेटवर्क को ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। टू पोर्ट नेटवर्क में दो पोर्ट होते हैं, आप देखेंगे। नाउ दिस इज द वन पोर्ट एंड दिस इज द सेकंड पोर्ट। दिस इज द वन पोर्ट एंड दिस इज द सेकंड पोर्ट। दो पोर्ट है। तो बीजेटी कैसा नेटवर्क है? टू पोर्ट नेटवर्क का एग्जाम्पल है। बीजेटी इज द एग्जाम्पल ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क। बना लीजिए बेटा इसको बना लीजिए। याद रखिएगा, बीजेटी में हमेशा एमीटर करंट किसके बराबर होता है? बेस करंट और कलेक्टर करंट के सम के बराबर होता है। एमीटर करंट बेस और कलेक्टर करंट के बराबर होता है। और बेटा ये रिलेशन मैंने कैसे निकाला है? केसीएल लगा के बीजेटी के अंदर जैसे इनपुट देते हैं आउटपुट मिलता है। मतलब बीजेटी के अंदर क्या है, जैसे आपने इनपुट किया सब जगह करंट फ्लो किया और इमीडिएटली आपको आउटपुट मिला। तो बीजेटी के अंदर जो चिप होती है या फिर आईसी होती है उसमें सर्किट डिजाइन करते, सर्किट एक क्लोज बाउंड्री होती है, किसी भी क्लोज बाउंड्री के अराउंड केसीएल लगा था। किसी भी क्लोज बाउंड्री में जितना करंट इन करेगा उतना ही आउट करेगा। तो बेटा इन कर रहा है आईबी प्लस आईसी, तो आउट भी कितना करेगा? आईबी प्लस आईसी। और आईबी प्लस आईसी क्या है? उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप कौन सा करंट? एमीटर करंट। जब मैं बीटेक में पढ़ता था तो मुझे ये रिलेशन कभी नहीं समझ में आता कि ये कहां से आ जाता है, केसीएल कैसे लगा देते। ऐसे ये दोनों यहां से आने पर ऐसे निकल जाते हैं? ऐसा नहीं है। दैट इज ए क्लोज बाउंड्री होती है, किसी भी क्लोज बाउंड्री के अराउंड केसीएल लगा सकते हैं। ठीक है, ये क्लोज बाउंड्री है, केसीएल लगा दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मैंने बताया था तीसरा एग्जांपल क्या था, टू पोर्ट नेटवर्क का ट्रांसमिशन लाइन। देखते हैं क्या ट्रांसमिशन लाइन टू पोर्ट नेटवर्क का एग्जांपल। बना लिया तो आगे बढ़े, बना लिया हो तो आगे बढ़े बेटा, बना लिया हो तो आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट, तीसरा लिखे ट्रांसमिशन लाइन। थोड़ा सा इसको समझेंगे बेटा, ट्रांसमिशन लाइन इज द आल्सो द एग्जांपल ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क। ध्यान से देखिए, बीजेटी से एम्पलीफिकेशन करने के लिए आप बायसिंग करते हैं। खत्म हो जाएगी 11 बजे तक क्लास है, ट्रांसमिशन लाइन को समझाते समझाते क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, पेशेंस रखें, जैसे ही ट्रांसमिशन लाइन को मैं समझा दूंगा उसके बाद आगे कल देखेंगे। ठीक है, चल ट्रांसमिशन लाइन की बात करें। अगर मैं ट्रांसमिशन लाइन का सिंगल लाइन डायग्राम बनाऊं तो ट्रांसमिशन लाइन आपकी जो है जनरली थ्री फेज होती है, लेकिन तीनों बैलेंस होते हैं। अगर बैलेंस है तो सिंगल फेज में जो रिजल्ट आएगा उसको तीन से गुणा कर देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, थ्री फेज का आपको रिजल्ट आ जाएगा। डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल एंड पोर्ट। विनोद पूरी कहानी निकल गई। टर्मिनल और पोर्ट, टर्मिनल मीन्स क्या होता है, जहां से करंट इन करता है। पोर्ट क्या होता है, पेयर ऑफ टर्मिनल होता है, पेयर ऑफ टर्मिनल इन विच एक टर्मिनल से जितना करंट इन किया उतना ही आउट किया है। तो दैट इज कॉल्ड पेयर ऑफ टर्मिनल इज कॉल्ड पोर्ट। और अगर एक आपके पास सीधा है, सीधे को बोलते हैं टर्मिनल। ठीक है, किसी भी नेटवर्क को डिफाइन करने के लिए टर्मिनल होना चाहिए। टर्मिनल नहीं होगा तो नेटवर्क डिफाइन नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो ट्रांसमिशन लाइन का पहले मैं सिग्नल लाइन डायग्राम बनाता हूँ। जनरली आप ट्रांसमिशन लाइन में एक फेज दिखा रहा हूं, एक न्यूट्रल दिखा रहा हूं।
क्योंकि जब हम ट्रांसमिशन लाइन को एनालाइज करेंगे तो सिंगल फेज मॉडल बनाएंगे, सिंगल फेज में एक लाइन होगा और एक न्यूट्रल होगा, ठीक है। नाउ दिस इज ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, ये आपका ट्रांसमिशन लाइन है। ट्रांसमिशन लाइन में जो इनपुट साइड होता है उसको बोलते हैं सेंडिंग इन, यहां से पावर भेजते हैं और यहां पर पावर रिसीव करते हैं, रिसीविंग इन, जहां पर लोड लगा होता है उसको बोलते हैं रिसीविंग। रिसीविंग इन पे आप पावर को कलेक्ट करेंगे और अपने लोड को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो दो आपके जो है, आप तो देखेंगे ये सिंगल लाइन डायग्राम, तो ये आपकी ट्रांसमिशन लाइन है। अभी ट्रांसमिशन लाइन का मैं मॉडल बनाऊंगा, ध्यान से देखते जाइए, ये ट्रांसमिशन लाइन है, दिस इज द सिंगल लाइन डायग्राम है, ठीक है। इसमें एलिमेंट नहीं दिखाए, केवल आपको ऐसे मॉडलिंग से बता दिया। ये आपका इनपुट साइड है, इनपुट साइड को बोलते हैं सेंडिंग इन, यहां से पावर सेंड करते हैं, सेंडिंग इन। ट्रांसमिशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आप देखेंगे जो पावर आप जनरेट करते हैं वो काफी दूर पे जनरेट करते हैं, क्योंकि देखो हाइड्रो पावर प्लांट जो होंगे वो हिल स्टेशन में बनाए जाएंगे, जरूरी कि सारे के सारे लोड हिल स्टेशन में हो, कुछ लोड मेरे कहां पर होंगे, पठार वाले एरिया में, कुछ हिल स्टेशन में होंगे। तो हिल स्टेशन में जो एनर्जी हम जनरेट करें उसको हमें लोड सेंटर तक भेजना पड़ेगा, तो आपके जो भी एनर्जी आप जनरेट करते हैं, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो जनरेट करते हैं उसको आप क्या करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन में एक साइड से हम पावर को भेजेंगे, जिस साइड से हम पावर को भेजते हैं उसको बोलते हैं सेंडिंग इन, और बेटा जहां पर हम पावर को रिसीव करते हैं उनको बोलते हैं रिसीविंग इन, दिस इज रिसीविंग इन, ठीक है, रिसीविंग इन। सेंडिंग इन के वोल्टेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं वीएस से, सेंडिंग इन के करंट को रिप्रेजेंट करते हैं आईएस से, रिसीविंग इन के वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं वीआर से, और रिसीविंग इन के करंट को रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज आईएस, ठीक है। अब आप देखिए रिसीविंग इन में लोड लगा होगा, ध्यान से देखिए रिसीविंग इन में यहां पर लोड लगा होगा, ये रिसीविंग इन करंट ऐसे फ्लो करेगा, तो बेटा एक टर्मिनल से रिसीविंग इन करंट आपका लीव कर रहा है तो दूसरे से उतना ही करंट इंटर करेगा, तो दिस इज नथिंग बट द रिसीविंग इन करंट। और आपको मालूम है बेटा, हेलो, सेंडिंग इन, यहां पर बैटरी लगी है वीएस वोल्ट, एक टर्मिनल से अगर वीएस आईएस करंट निकला है तो लौटेगा भी दूसरे टर्मिनल से कितना करंट, आईएस ही लौट के आएगा, अभी मैं दिखा रहा हूं कितना करंट लौटेगा यहां से, जितना बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट लीव करता है उतना ही करंट आपका दूसरे टर्मिनल से इन करता है, जितना करंट यहां से लीव करेगा उतना ही इन करेगा बैटरी की, ये हमेशा बैटरी की जो है प्रॉपर्टी होती है। तो आपको यहां पर कुछ दिखा होगा ट्रांसमिशन लाइन, इसका एग्जांपल है, हेलो दिस इज वन पोर्ट ना, ये पेयर ऑफ टर्मिनल क्या कहलाएगा, पोर्ट। इस पेयर ऑफ टर्मिनल में एक टर्मिनल से जितना करंट इन कर रहा है उतना ही करंट आउट कर रहा है, तो ये एक पेयर ऑफ टर्मिनल है। यहां भी देखे, यहां भी दो टर्मिनल है, पेयर ऑफ टर्मिनल है, इन पेयर ऑफ टर्मिनल में क्या है, एक टर्मिनल से जितना करंट लीव कर रहा है उतना ही करंट दूसरे टर्मिनल से क्या भी कर रहा है, इन कर रहा है, टर्मिनल है, पेयर ऑफ टर्मिनल को पोर्ट बोलेंगे। तो दिस इज द पोर्ट वन एंड दिस इज द पोर्ट टू, तो ट्रांसमिशन लाइन इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ, कितना पोर्ट है इसमें, दो पोर्ट, एक सेंडिंग इन साइड पे और दूसरा रिसीविंग इन साइड में। इसलिए ट्रांसमिशन लाइन को जब हम पढ़ते हैं तो कौन सा जो है हमें मॉडल यूज करना पड़ता है, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन एक टू पोर्ट नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको एनालाइज करने के लिए, इसकी चीजें कैलकुलेट करने के लिए आपको टू पोर्ट पैरामीटर यूज करने पड़ते हैं। टू पोर्ट पैरामीटर कैसे यूज करेंगे वो आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये तो मैंने जो बनाया है दिस इज द सिंगल लाइन डायग्राम, अब मैं जरा इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल बना देता हूं, सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। अभी मैं आपको एग्जैक्टली दिखा देता हूं कि ट्रांसमिशन लाइन का इलेक्ट्रिकल मॉडल कैसा होता है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिकल मॉडल ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन की जब मॉडलिंग करते हैं, इलेक्ट्रिकल मॉडल बनाते हैं, तो कौन कौन से कंपोनेंट देते हैं जरा बताओ बेटे, इलेक्ट्रिकल वाले ट्रांसमिशन लाइन के मॉडल को बनाने के लिए, ये ट्रांसमिशन लाइन है, बीच में ये तो सेंडिंग एंड हो गया, ये रिसीविंग एंड हो गया, बीच में ये ट्रांसमिशन लाइन है, दिस इज नथिंग बट द, ये जो बीच में मैंने बनाई है ये
ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ट्रांसमिशन लाइन का जब मैं इलेक्ट्रिकल मॉडल बनाऊंगा तो कौन कौन से मुझे कंपोनेंट लेने पड़ेंगे? रविंद्र बोल रहे हैं आरएलसी, ट्रांसमिशन लाइन की मॉडलिंग करने के लिए आरएलसी ही लेते हैं क्या? आरएलसी ही लेते हैं? नहीं, ट्रांसमिशन लाइन के जब इलेक्ट्रिकल मॉडल बनाते हैं तो चार कंपोनेंट लेते हैं, आर एल सी और जी। जी मतलब कंडक्टेंस, रजिस्टर का ही पार्ट होता है। अब देखो कैसे लेते हैं, अब मैं आपको बताने को, यहां तक लिख लिया तो आगे चले, यहां तक अगर लिख लिया हो तो आगे चलने की कोशिश करें। चलो ध्यान से देखिए, ट्रांसमिशन लाइन एक कंडक्टर है। हेलो, ट्रांसमिशन लाइन क्या है बेटा? ट्रांसमिशन लाइन एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर से क्या फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा। ध्यान से देखिएगा, ट्रांसमिशन लाइन का इलेक्ट्रिकल मॉडल बनाने दे रहा है, तो लिख रहा हूं बेटा इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, कौन कौन से हम लोग जो है एलिमेंट लेंगे ट्रांसमिशन लाइन के मॉडल बनाने में, इलेक्ट्रिकल मॉडल? तो आप देखेंगे ट्रांसमिशन लाइन इज ए कंडक्टर ना, ध्यान से देखिए, दिस इज ए कंडक्टर। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन इज कंडक्टर, कंडक्टर इज हैविंग लेंथ, कंडक्टर है तो इसके पास लेंथ होगा, लेंथ के साथ साथ क्या होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, दिस इज लेंथ, दैट इज हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ये किसी ना किसी मटेरियल का बना होगा, ये किसी ना किसी मटेरियल का बना होगा, जैसे एल्यूमिनियम या फिर कॉपर, उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी? रेजिस्टिविटी, या फिर आप बोल सकते हैं रो, रो दैट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, दैट इज ये किसी ना किसी मटेरियल का बना होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर उसको रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। This is having, किसी ना किसी मटेरियल का है तो इसके पास मटेरियल का क्या होगा बेटा? रेजिस्टिविटी, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। तो आप देखेंगे कि अगर आपके पास एक मटेरियल है जिसके पास लेंथ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया और रेजिस्टिविटी है, तो आप जो है वो मटेरियल वो क्या ऑफर करेगा? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या था? आर इज इक्वल टू क्या था? रो एल बाई ए। अगर आपके पास कोई कंडक्टर है जिसके पास लेंथ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, रेजिस्टिविटी है, तो वो हमेशा क्या ऑफर करेगा? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रो एल बाई ए। अगर आपके पास कोई भी आपके पास मटेरियल है, अगर आपके पास कोई मटेरियल है, उस मटेरियल के पास लेंथ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है और रेजिस्टिविटी है, क्योंकि किसी न किसी मटेरियल का बना होगा तो मटेरियल की छोटी रेजिस्टिविटी होगी। तो अगर आपके पास कोई मटेरियल है, उस मटेरियल के पास लेंथ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया है और मटेरियल की कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी होगी, 100% वो मटेरियल क्या ऑफर करेगा? रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। क्या ऑफर करेगा? रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या ऑफर करेगा? रेजिस्टेंस। जरा ये बताओ आपका जो है करंट, आप देखेंगे कि जो कंडक्टर है, जब मैं ट्रांसमिशन लाइन की बात करूंगा तो ट्रांसमिशन लाइन में ऐसे में सप्लाई कनेक्ट करूंगा, ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां पर आप क्या करेंगे? सेंडिंग एंड से वोल्टेज अप्लाई करेंगे और आगे आपका रिसीविंग एंड होगा बेटा, रिसीविंग एंड होगा, ये आपका रिसीविंग एंड है। सेंडिंग इन वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा वीएस से, रिसीविंग इन वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं वीआर से। ठीक है, आगे आगे लोड लगा होगा, आगे बेटा लोड लगा होगा, तो सर्किट क्लोज है ना, तो करंट फ्लो करेगा ऐसे ही।
ऐसे करंट फ्लो करेगा, दिस इज द करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस। तो आप देखेंगे कि आपका जो है जब ये करंट फ्लो करेगा, जब ये करंट ट्रांसमिशन लाइन से फ्लो करेगा, क्योंकि आपका जो है ट्रांसमिशन लाइन के पास लेंथ भी है, क्रॉस सेक्शनल एरिया और रेजिस्टिविटी है, तो ट्रांसमिशन लाइन क्या ऑफर करेगी बेटा? ये जो ट्रांसमिशन लाइन का कंडक्टर है क्या ऑफर करेगा? रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। क्या ऑफर करेगा बेटा? रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। क्या ऑफर करेगा? रेजिस्टेंस। और बेटा करंट इस रेजिस्टेंस से फ्लो करेगा, ये जो करंट है इस रेजिस्टेंस से फ्लो करेगा, ठीक है, इससे फ्लो करेगा। तो पहला चीज है कि ट्रांसमिशन लाइन को जब आप डिफाइन करते हैं तो ट्रांसमिशन लाइन का क्या शो करते हैं? रेजिस्टेंस शो करते हैं, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन के पास लेंथ होती है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है और मटेरियल की रेजिस्टिविटी होती है। पहला ट्रांसमिशन लाइन की मॉडलिंग करेंगे तो ट्रांसमिशन लाइन इज ए कंडक्टर हैविंग लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिव इफेक्ट ऑफर करेगा। अब आप देखेंगे कि जब ट्रांसमिशन लाइन जब आप करते हैं एसी पावर को ट्रांसमिट करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, जब ये करंट अल्टरनेटिंग करंट जब आपके इस कंडक्टर से फ्लो करेगा, जब आपका कोई एसी करंट आपका वायर से फ्लो करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? हेलो, अल्टरनेट करंट जब आपका कंडक्टर से फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। ये फ्लक्स क्या करेगा? आपके कंडक्टर से लिंक करेगा। और अगर आपका जो है करंट, जब एसी करंट आपका कंडक्टर से फ्लो करता है तो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, वो फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होता है, तो वो फ्लक्स इससे क्या करेगा? लिंक करेगा। जब फ्लक्स इससे लिंक करेगा तो कौन सा इफेक्ट आएगा? इंडक्टिव इफेक्ट आएगा। और इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ट्रांसमिशन लाइन के क्रॉस क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप, इंडक्टिव इफेक्ट। यहां मैं बना देता हूं, ध्यान से देखिए। पहला तो आपको मालूम चल गया कि ट्रांसमिशन लाइन के मॉडल को रिप्रेजेंट करने के एक तो रजिस्टर बनाना पड़ेगा, दूसरा ये कंडक्टर है, ध्यान से देखिएगा, ये ट्रांसमिशन लाइन का कंडक्टर है। दूसरा देखते हैं, दूसरा कौन सा इफेक्ट आएगा? इस ट्रांसमिशन लाइन से जब मेरा करंट पास करेगा, कौन सा करंट पास करेगा? एसी करंट पास करेगा। तो जब ट्रांसमिशन लाइन से करंट पास करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा बेटा? फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। और आप देखेंगे चूंकि करंट मेरा क्या है? एसी है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स भी मेरा टाइम के साथ चेंज होगा। ए टाइम वेरिंग फ्लक्स की वजह से क्या होगा? जो फ्लक्स होगा इस करंट की, करंट अगर टाइम के साथ चेंज, तो फ्लक्स भी टाइम के साथ चेंज होगा। अगर फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होगा तो इस कंडक्टर से क्या करेगा? लिंक करेगा। और अगर फ्लक्स कंडक्टर से लिंक करेगा तो कौन सा इफेक्ट आएगा? इंडक्टिव इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो आप बोल सकते हैं कि जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू करंट। आपका जो फ्लक्स होता है वो किसकी वजह से आता है? करंट की वजह से। ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो फ्लक्स भी ज्यादा होते हैं। मैं लिख रहा हूं बेटा, दैट इज जब आपके ट्रांसमिशन लाइन से करंट पास करेगा तो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। जो फ्लक्स होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? करंट। और जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो एक कॉन्स्टेंट आएगा, उसी कॉन्स्टेंट को आप क्या बोलते हैं बेटा? इंडक्टर बोलते हैं। एंड दैट इज नथिंग बट द एल इज इक्वल टू क्या होता है? फाई बाई आई, फ्लक्स पर यूनिट करंट इज नथिंग बट द इंडक्टेंस। तो दूसरा कौन सा इफेक्ट आया? इंडक्टिव इफेक्ट आया। इंडक्टिव इफेक्ट किसकी वजह से? करंट की वजह से। अब करंट तो एलिमेंट से पास करता है, इसलिए आप जो इंडक्टर बनाएंगे वो करंट की डायरेक्शन में बनाएंगे, ठीक है। करंट की वजह से फ्लक्स आया और फ्लक्स इससे लिंक किया तो कौन सा इफेक्ट आया? इंडक्टिव इफेक्ट आएगा, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो एक एलिमेंट हो गया रजिस्टर, एक हो गया इंडक्टर। अब जरा ध्यान से सुनिए, और कौन सा कंपोनेंट बनाना पड़ेगा? तो ट्रांसमिशन लाइन को जब मॉडलिंग करते तो दो चीज हमें क्लियर हो गई कि एक तो रजिस्टर बनाना पड़ेगा, दूसरा इंडक्टर बनाना पड़ेगा। तीसरा जरा ध्यान से, इतना बना लीजिए, एक तो रजिस्टर बनाना पड़ेगा, रजिस्टिव इफेक्ट आएगा, और दूसरा बेटा इंडक्टिव इफेक्ट आएगा, इंडक्टर बनाना पड़ेगा। तीसरा, हाँ बेटा, यहां पर देखिए, जब भी कोई करंट आपका किसी कंडक्टर से फ्लो करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? फ्लक्स। जब भी कोई करंट किसी कंडक्टर में फ्लो करेगा तो बेटा क्या प्रोड्यूस करेगा? फ्लक्स।
और अगर ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो फ्लक्स भी ज्यादा होगा, मोर करंट मोर फ्लक्स, लेस करंट लेस फ्लक्स। तो आप देखेंगे जो आपका करंट की वजह से फ्लक्स आ रहा है तो फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू आई। और बेटा जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो एक कॉन्स्टेंट आएगा, उस कॉन्स्टेंट को हमें किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इंडक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो इक्वल टू का साइन आएगा, लेकिन एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, उस प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट को बेटा एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दैट इज अ कौन सा इफेक्ट आएगा, करंट जब पास करेगा फ्लक्स आएगा, उस फ्लक्स की वजह से कौन सा इफेक्ट आएगा, इंडक्टिव इफेक्ट। जब भी फ्लक्स होगा तो देयर इज ए इंडक्टिव इफेक्ट इन द मशीन, ठीक है। तो दैट इज एल की वैल्यू अगर पूछी जाएगी तो 5/i हो जाएगी, ठीक है। मेरे ख्याल से हो गया होगा, दो इफेक्ट आपको समझ में आ रहा। अब जरा ध्यान से देखिए कैपेसिटी इफेक्ट कैसे आता है, ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटी इफेक्ट। ध्यान से देखिए ट्रांसमिशन लाइन में आपके पास दो कंडक्टर, ध्यान से देखिए। अब कैपेसिटर में क्या होता बेटा, कैपेसिटर में अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास दो कंडक्टर है या फिर दो मेटेलिक प्लेट है, दो मेटेलिक प्लेट को अगर आप क्या करेंगे, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से आप सेपरेट करेंगे। आप देखेंगे कैपेसिटर में क्या होता है, दो प्लेट होती है, दो प्लेट होती है और उनके बीच में क्या भरा होता है, उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपका भरा होता है। कौन सा मटेरियल, डाई, मतलब कोई ना कोई मीडियम होता है, ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। कौन सा मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अगर आपके पास दो कंडक्टर हैं, दो कंडक्टर हैं, फिर दो कंडक्टिंग प्लेट हैं, दो कंडक्टिंग प्लेट हैं, अगर उनको मैं किसी ना किसी मीडियम द्वारा सेपरेट कर दूंगा तो उनके बीच में हमेशा कौन सा इफेक्ट आता है, कैपेसिटी इफेक्ट। तो जरा ध्यान से देखिए ट्रांसमिशन लाइन में आपके पास एक फेज होगा, एक न्यूट्रल होगा, ये दो कंडक्टर होते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, ये कंडक्टर हैं, दो कंडक्टिंग प्लेट हैं ये, या फिर दो कंडक्टर हैं, प्लेट बोलिए फिर आप जो है प्लेट बोलिए, बात सेम है। तो आप देखेंगे आपके पास ट्रांसमिशन लाइन में दो कंडक्टर होते हैं, दो कंडक्टर हैं, और ये दोनों कंडक्टर एक दूसरे द्वारा किस मीडियम द्वारा सेपरेट है, बीच में क्या होती है, एयर होती है, ट्रांसमिशन लाइन के बीच में क्या होती है, एयर, यहां पर क्या होती है, एयर। तो अगर बेटा दो कंडक्टर एक दूसरे द्वारा कुछ मीडियम से सेपरेट है तो 100% उनके बीच में कौन सा इफेक्ट आएगा, कैपेसिटी इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट आएगा, कैपेसिटी इफेक्ट। तो आप देखेंगे दो कंडक्टर हैं, ये एक दूसरे द्वारा ट्रांसमिशन लाइन में दो कंडक्टर एक दूसरे द्वारा एयर के द्वारा सेपरेट होते हैं तो उनकी वजह से कौन सा इफेक्ट भी कंसीडर किया जाता है, कैपेसिटी इफेक्ट कंसीडर किया जाता है। तो तीसरा एलिमेंट आ गया कैपेसिटर, कौन सा इफेक्ट आ गया, कैपेसिटर इफेक्ट भी हम उसकी मॉडलिंग में कंसीडर करेंगे। अब ये बताओ, ध्यान से मुझे बताना, अब ट्रांसमिशन लाइन में आपके पास जब करंट पास करेगा, ध्यान से देखिएगा, ट्रांसमिशन लाइन में जब करंट पास करेगा और इनके बीच में अगर कैपेसिटी इफेक्ट हो तो इस कैपेसिटर से भी करंट ना करंट पास करेगा, और जब कैपेसिटर से करंट पास करेगा तो कुछ ना कुछ इस कैपेसिटर में क्या होगा, लॉस होगा, क्या होगा, लॉस होगा। तो आप देखेंगे कोई भी कैपेसिटर परफेक्टली आपका जो है ये नहीं होता कि लॉस नहीं होता, हर एक कैपेसिटर में लॉस है। आप देखेंगे दो ट्रांसमिशन लाइन है उनके बीच में, ये दोनों ट्रांसमिशन लाइन एक दूसरे, फिर दो कंडक्टर एक दूसरे द्वारा एयर द्वारा सेपरेट होते हैं तो कौन सा इफेक्ट आता है, कैपेसिटी इफेक्ट। और आप देखेंगे अगर कैपेसिटी इफेक्ट है तो जब करंट इससे पास करेगा, चूंकि शंट ब्रांच है तो कुछ ना कुछ करंट जब कैपेसिटर से पास करेगा तो कैपेसिटर में क्या होगा, लॉस भी होगा। तो उस कैपेसिटर के लॉस को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके पैरेलल में एक कंडक्टेंस कंसीडर कर लेते हैं। इस कंडक्टर कंडक्टेंस में जितना लॉस होता है उतना ही लॉस किसमें मानते हैं, कैपेसिटर में। मतलब आप इस कैपेसिटर को लॉस को दिखाने के लिए आई कैन बी कंसीडर ए कंडक्टेंस जी, और इस कंडक्टेंस में जितना लॉस होगा उतना ही लॉस किसमें होगा, कैपेसिटर में होगा। तो जी किसको दिखाता है, कैपेसिटर के लॉस को दिखाने के लिए। कैपेसिटर से जब करंट पास करेगा तो कैपेसिटर में क्या होगा, सम लॉस होगा, कितना लॉस होगा उसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, कैपेसिटर के पैरेलल में क्या कर लेते हैं, कंडक्टेंस मान लेते हैं। जितना भी लॉस इस कंडक्टेंस में होगा
उतना ही लॉस क्या होगा आपके कैपेसिटर में, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कैपेसिटर के लॉस को दिखाने के लिए हम एक पैरामीटर कंसीडर करते हैं जिसको बोलते हैं जी कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या दिखा रहा होता है, कंडक्टेंस दिखा रहा है जितना भी बेटा इस जी में लॉस होगा उतना ही लॉस किसमें होगा, कैपेसिटर में। तो लिख रहा हूं बेटा कैपेसिटर के लॉस को, या फिर जी कंडक्टेंस, कंडक्टेंस मतलब जी रिप्रेजेंट द लॉस ऑफ कैपेसिटर, रिप्रेजेंट द लॉस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर में जो लॉस होगा उस लॉस को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से। तो चार एलिमेंट हो गए बेटा ट्रांसमिशन लाइन की मॉडलिंग में, चार एलिमेंट हम दिखाते हैं कौन कौन से, आर एल सी और जी। क्या दिखाते हैं, आर एल सी और जी। अब ये कैसे लगे होते हैं, रजिस्टर क्या करेगा, करंट को अप्रोच करेगा, करंट को लाइन से फ्लो करेगा, तो करंट की डायरेक्शन में क्या आएगा रजिस्टर, और इंडक्टिव इफेक्ट भी किसकी वजह से आ रहा है, करंट की वजह से। तो आप रजिस्टर और इंडक्टर किसकी वजह से, रजिस्टर जो होता है हमेशा करंट का अप्रोच करते हैं, करंट को लाइन में फ्लो करता है, और इंडक्टर भी किसकी वजह से आता है, करंट जब फ्लो करेगा तो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, फ्लक्स की वजह से कौन सा इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टर भी करंट की वजह से आ रहा है, रजिस्टर भी करंट को अपोज कर रहा है, तो करंट लाइन में फ्लो करता है। तो हमेशा क्या करते हैं, लाइन में आप कौन कौन से एलिमेंट दिखाते हैं, आर और एल, दैट इज कॉल्ड सीरीज पैरामीटर। दोनों करंट की वजह से आते हैं, दोनों करंट की वजह, दोनों करंट, दोनों से करंट फ्लो करेगा, दोनों से अगर करंट फ्लो करेगा तो सीरीज पैरामीटर। तो सीरीज पैरामीटर होते हैं आर और एल। और बेटा आपका जो सी होता है वो कंडक्टर, दो कंडक्टर एक दूसरे द्वारा अगर कुछ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द ट्रांसमिशन एंड एयर, अगर दो कंडक्टर एक दूसरे द्वारा कुछ मीडियम द्वारा सेपरेट होकर बीच में कैपेसिटर, तो कैपेसिटर ट्रांसमिशन लाइन के बीच में आ रहा है, शंट एलिमेंट है। तो मैं अब आपके ट्रांसमिशन लाइन का एक्चुअल मॉडल बना रहा हूं, ठीक है ना। देखिए जरा ट्रांसमिशन लाइन में चार कंपोनेंट कंसीडर करेंगे, कौन कौन से, एक तो रजिस्टर इफेक्ट ऑफर करेगी ट्रांसमिशन लाइन, दूसरा इंडक्टिव इफेक्ट ऑफर करेगी। ये दोनों कंपोनेंट क्या है, करंट को, ये करंट को अपोज करेगा, इससे करंट पास करेगा तभी इसको अपोज करेगा, और इंडक्टर किसकी वजह से आ रहा है, करंट की वजह से। जब इससे करंट पास करेगा तो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, तो ये दोनों करंट की वजह से आ रहा है, तो ये करंट के साथ आपके जो है लगने वाले हैं, तो मतलब इनसे करंट फ्लो करेगा। अगर इनसे करंट फ्लो करेगा तो इनसे दोनों से सेम ट्रांसमिशन लाइन का करंट फ्लो करेगा, अगर ट्रांसमिशन लाइन का करंट फ्लो करेगा तो दोनों से, अगर ट्रांसमिशन लाइन का करंट फ्लो करेगा, करंट सेम है तो दैट इज सीरीज पैरामीटर। तो आर और एल हमेशा कहां बनाए जाते हैं, सीरीज में। और आप देखेंगे ट्रांसमिशन लाइन में दो कंडक्टर होते हैं, ध्यान से देखिए दो कंडक्टर हैं, ये एक दूसरे द्वारा सम डाइलेक्ट्रिक मीडियम द्वारा क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या है, एयर। दो कंडक्टर एक दूसरे द्वारा अगर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो कि एयर है ट्रांसमिशन है सेपरेट, तो उनके बीच में कौन सा इफेक्ट आएगा, कैपेसिटर। ट्रांसमिशन लाइन के बीच में आपके पास दो कंडक्टर है जो एक दूसरे द्वारा एयर से सेपरेट है, इनके बीच में कौन सा इफेक्ट आएगा, कैपेसिटी इफेक्ट आएगा, शंट इफेक्ट बोलते हैं, शंट में लगा होता है। और इस कैपेसिटर के लॉस को दिखाने के लिए हम कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं, जी, जी, जी के अक्रॉस, जी इज नथिंग बट द जो रजिस्टर एलिमेंट होता है वही आपका रजिस्टर भी ऑफर करता है कंडक्टेंस शंट में। अगर सीरीज में होता तो रजिस्टर का मैं रजिस्टर दिखा देता, ये तो पैरेलल में लगा, पैरेलल में क्या चीज ऐड होते हैं, कंडक्टेंस ऐड होते हैं, इसलिए मैंने अपने रजिस्टर का कंडक्टेंस दिखाया। इस रजिस्टर में जो लॉस होगा उतना ही लॉस किस में होगा, सी में होगा, तो सी के लॉस को दिखाने के लिए हमने जी दिखाया है। अच्छा यार रजिस्टर क्यों नहीं लिखा, सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं, तो अगर ये एलिमेंट मैं सीरीज में लगाता तो रेजिस्टर बताता, लेकिन मैंने इसको पैरेलल में लगाया है, तो पैरेलल में क्या चीज ऐड होते हैं, कंडक्टेंस ऐड होते हैं, इसलिए मैंने कंडक्टेंस इफेक्ट दिखाया। लेकिन कंडक्टेंस कौन सा एलिमेंट ऑफर करता है, रजिस्टर, यहां पर मैंने रजिस्टर ही शो किया लेकिन रजिस्टर का कंडक्टेंस लिखा है। तो दिस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिकल मॉडलिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ये ट्रांसमिशन लाइन इलेक्ट्रिकल मॉडलिंग। जब आप ट्रांसमिशन लाइन बनाएंगे तो ट्रांसमिशन लाइन में कौन कौन से कंपोनेंट दिखाते हैं इलेक्ट्रिकल मॉडल में, आर एल सी और जी, आर एल सी और जी, आर एल सी और जी, क्या क्या दिखाते हैं, आर एल सी और जी।
नाउ दिस इज नथिंग बट द, अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये मैंने बोला था जहां से पावर भेजते उसको बोलते सेंडिंग इन, सेंडिंग इन, और बेटा जहां पावर को रिसीव करते उसको बोलते हैं रिसीविंग इन, ठीक है। सेंडिंग इन के वोल्टेज को आप रिप्रेजेंट करते हैं किससे, वीएस से, रिसीविंग इन के वोल्टेज को आप रिप्रेजेंट करते हैं किससे बेटा, रिसीविंग इन के वोल्टेज को आप रिप्रेजेंट करते हैं वीआर से, दिस इज वीआर, ध्यान से देखिएगा। सेंडिंग इन करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, आईएस से, ध्यान से देखिए, सेंडिंग इन करंट को मैंने रिप्रेजेंट किया आईएस। अब आप देखिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट जाएगा उतना ही बैटरी के निगेटिव टर्मिनल में आएगा, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो यहां से बेटा अगर आईएस करंट गया है तो लौट के भी आईएस आएगा, ध्यान से देखिए, यहां पर यहां से कितना करंट आएगा, आईएस करंट, ध्यान से देखिए। अब जरा देखिए जो आईएस करंट है वो कैसे फ्लो करेगा, ये आईएस करंट फ्लो करता करता यहां तक आएगा, ये आईएस करंट ऐसे फ्लो करेगा, ये आईएस करंट यहां तक फ्लो करेगा, ये आईएस करंट फ्लो करते करते इस नोड पे आएगा, इस नोड पे आने के बाद कुछ करंट बेटा इस संट ब्रांच में पास करेगा, कुछ करंट कहां से पास करेगा, रिसीविंग इन से पास करेगा, रिसीविंग इन करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं आईआर से, रिसीविंग इन करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं आईआर से, ये रिसीविंग इन है, रिसीविंग इन करंट को आईआर से, और बेटा कुछ करंट आपके कैपेसिटर से पास करेगा, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे चार्जिंग करंट, कैपेसिटर से जो करंट पास करेगा वो कैपेसिटर को चार्ज करेगा, इसलिए कैपेसिटर के करंट को हम चार्जिंग करंट बोल देते हैं। तो आप ध्यान से देखिए ये सेंडिंग इन करंट इस नोड में आने के बाद इन दोनों ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा, कुछ करंट कैपेसिटर से पास कर देगा जिसको हम बोलेंगे चार्जिंग करंट। मैं ऊपर से दिखा देता हूं, यहां से थोड़ा सा आपको कम समझ में आया, ठीक है, मैं ऊपर से दिखा देता हूं, ऊपर से दिखाने की कोशिश करता हूं ना, और यहां से सेंडिंग इन करंट आएगा बेटा, ध्यान से देखिए सेंडिंग इन करंट फ्लो करते करते इस नोड पे आएगा, सेंडिंग इन करंट इस नोड पे फ्लो करते करते, इस नोड पे फ्लो करने के बाद ये करंट इस नोड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कुछ करंट आपके इससे पास कर जाएगा कैपेसिटर से, उसको बोलेंगे चार्जिंग करंट, ठीक है, कैपेसिटर से जो करंट पास करेगा उसको बोलेंगे चार्जिंग करंट, ठीक है, और कुछ करंट आपका रिसीविंग इन से पास कर जाएगा, कुछ करंट आपका रिसीविंग इन से पास कर जाएगा, रिसीविंग इन करंट को किससे प्रिंट करते हैं आईआर से, किससे प्रिंट करते हैं आईआर से। अब ध्यान से देखिए आगे लोड लगा होगा, आगे लोड लगा होगा, तो रिसीविंग इन करंट लोड से ऐसे फ्लो करेगा, रिसीविंग करंट लोड से ऐसे फ्लो करेगा, और फिर यहां से कितना करंट आएगा आईआर, फिर यहां से कितना करंट आएगा बेटा, फिर से इस पोर्ट पे आएगा आईआर, यहां से कितना करंट आएगा आईआर। अब ध्यान से देखिए यहां से आपका जो है चार्जिंग करंट फ्लो किया था, चार्जिंग करंट आगे चल के इन दोनों ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होने के बाद यही दोनों करंट मिल जाएगा, फिर से कितना करंट बना देंगे चार्जिंग करंट। ध्यान से देखिए ये चार्जिंग करंट ऐसे फ्लो करेगा, चार्जिंग करंट इन दोनों ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होने के बाद ये दोनों फिर से करंट मिलकर फिर से कितना करंट बना देंगे चार्जिंग करंट के बराबर बना देंगे, ठीक है, पैरेलल में लगे हैं ये दोनों, पैरेलल में लगे हैं, पैरेलल में इस नोड पे जितना करंट आपका डिवाइड होगा उतना ही करंट इस नोड में मिलेगा, तो बेटे यहां से चार्जिंग करंट आएगा इन दोनों ब्रांच में डिवाइड होकर फिर से कितना करंट यहां से लीव करेगा आईसी के बराबर। और आपको मालूम है चार्जिंग करंट और रिसीविंग इन करंट, चार्जिंग करंट प्लस आपका रिसीविंग करंट मिलकर फिर से कितना करंट बना देंगे सेंडिंग इन करंट के बराबर बना देंगे, फिर से कौन सा करंट फ्लो करेगा, फिर से आपका सेंडिंग इन करंट फ्लो करेगा, फिर से सेंड, बैटरी से सेंडिंग इन करंट निकला था, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से सेंडिंग इन करंट निकला था, लौट के भी कितना ही आ रहा है सेंडिंग इन करंट। यहां पर आप देखिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से रिसीविंग इन करंट निकला था, लोड से पास होने के बाद फिर से कितना करंट लौटेगा रिसीविंग इन करंट फ्लो करेगा। तो आप देखेंगे क्या ये दोनों टर्मिनल, इन दोनों टर्मिनल में एक टर्मिनल से जितना करंट इन कर रहा है क्या उतना ही आउट कर रहा है, तो ये पेयर ऑफ टर्मिनल क्या है, पोर्ट है। यहां पर देखिए इन दो पेयर ऑफ टर्मिनल में जितना करंट एक टर्मिनल से इंटर कर रहा है उतना ही करंट दूसरे टर्मिनल से, तो ये क्या है, ये भी पोर्ट है, तो दिस इज पोर्ट वन एंड दिस इज पोर्ट टू, दो पोर्ट है,
अगर दो पोर्ट है तो ट्रांसमिशन लाइन इज द एग्जाम्पल ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क। कैसा एग्जाम्पल है? टू पोर्ट नेटवर्क का एग्जाम्पल है ट्रांसमिशन लाइन। ये मैंने अभी आपको केवल बताया, अभी मैंने कुछ पढ़ाया वढ़ाया नहीं है। अभी तो हम लोग देख रहे थे कि एक्चुअली में टू पोर्ट नेटवर्क कैसा होता है, कैसे पहचानते हैं कि कोई नेटवर्क टू पोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि वन पोर्ट के एग्जाम्पल क्या है, टू पोर्ट के एग्जाम्पल क्या है। अभी हम लोग ने एग्जाम्पल डिस्कस किया है कि ट्रांसमिशन लाइन इज एग्जाम्पल ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क, बीजेटी इज द एग्जाम्पल ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क, एंड नथिंग बट योर ट्रांसफॉर्मर इज ऑल्सो द नेटवर्क ऑफ टू पोर्ट, एग्जाम्पल ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क। ठीक है, इतना ही मुझे समझाना था और मेरे ख्याल से आप इतना अच्छे समझ गए होंगे। ठीक है, कि टू पोर्ट नेटवर्क होता क्या है, टू पोर्ट के एग्जाम्पल क्या होते हैं, वन पोर्ट होता क्या है, वन पोर्ट के एग्जाम्पल क्या होते हैं। इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। कल हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे इसी के आगे। कल मैं डिफाइन करूंगा कि टू पोर्ट नेटवर्क को एनालिसिस कैसे करते हैं। ठीक है, टू पोर्ट नेटवर्क समझ में आ गई। अच्छा, टू पोर्ट नेटवर्क में दो पोर्ट होंगे, अब उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, दैट इज द मेन टारगेट। ठीक है, तो कल की बेटा जो क्लास की टाइमिंग होगी, मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, कल आपकी जो है टाइमिंग में थोड़ा सा चेंज है। सुबह ध्यान से सुनिए बेटा, 7 बजे से लेकर शायद 8 बजे तक आपकी हिस्ट्री की क्लास होगी। ध्यान से सुने, हिस्ट्री की क्लास होगी। उसके बाद आपकी 9 बजे से लेके 11 बजे तक ईडीसी की क्लास होगी। अभी मैं भेज रहा हूं बेटा आपको टाइम टेबल। फिर उसके बाद 12 बजे से लेके 3 बजे तक आपकी ट्रांसमिशन की क्लास होगी। ट्रांसमिशन में क्या होगा, टू पोर्ट नेटवर्क पढ़ेंगे। कल मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, अभी तो मैंने केवल आपको यही बताया कि व्हाट इज द टू पोर्ट नेटवर्क, टू पोर्ट नेटवर्क क्या होता है, उसके एग्जाम्पल क्या होता है। टू पोर्ट ट्रांसमिशन में टू पोर्ट नेटवर्क पढ़ेंगे। फिर उसके बाद फिर आप खाना वाना खा लीजिएगा। फिर उसके बाद 4:30 बजे मिलेंगे, 4:30 बजे से लेके 6:30 बजे तक फिर से टू पोर्ट नेटवर्क पढ़ेंगे, टू पोर्ट नेटवर्क। और फिर उसके बाद हम लोग 8 बजे मिलेंगे, 8 बजे से लेके 11 बजे तक हम लोग जनरेशन पढ़ेंगे। क्लियर है ना? 8 से 11 जनरेशन, 4:30 से 6:30 टू पोर्ट, 2 बजे से लेके 3 बजे तक टू पोर्ट, 9 बजे से लेके 11 बजे तक ईडीसी, और 7 से 8 आपका हिस्ट्री। कभी रात में ही आप लोग खाना वाना बना लें, उसी खाने को कल गर्म करके खा लें, है ना? ठीक है, तो मैंने आपको शेड्यूल भेज दिया है, मैं आपको भेज दूं। कम्युनिकेशन नहीं है, बताया तो था सर, क्लास में बताया होगा कि 2 दिन सर अवेलेबल नहीं है, तो 2 दिन वो ईडीसी की क्लास लेंगे। ठीक है, उसके बाद वो रहेंगे नहीं, तो मैं आपकी जो है उनकी जगह पे टू पोर्ट नेटवर्क पढ़ाऊंगा। इसी वालों को भी टू पोर्ट नेटवर्क करना है बेटा, 100% टू पोर्ट नेटवर्क करना है, छोड़ना नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जिसको बनाना है बना ले, बाकी अपना स्टूडेंट्स जिनका हो गया वो मीटिंग को छोड़ सकते हैं। सर CHEIL पेपर 1 दिन है, PGCIL का बेटा पेपर दें, PGCIL इज वेरी गुड जॉब अनुज, PGCIL का पेपर दें आप। चलिए, जिनका हो गया है वो मीटिंग को लीव कर दें, जो बना रहे हैं वो इस फिगर को बना लें। शेड्यूल अभी मैं थोड़ी देर में भेज देता हूं। UPPCL का एग्जाम बेटा आपका अक्टूबर या नवंबर में होगा। ये बेटा टू पोर्ट नेटवर्क इसी वालों का भी है आपका। मेरे ख्याल से UPPCL का जो जानकारी मिल रही है अक्टूबर या नवंबर में एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड स्टे कनेक्टेड विद द इंजीनियर्स। हाँ कविता बेटा, कंट्रोल स्टार्ट करेंगे, अभी थोड़ा सा आप लोग ये करते रहिए कम्युनिकेशन जो आपका चल रहा है, उसके बाद मेजरमेंट, उसके बाद मैं कंट्रोल आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, मेरे ख्याल से हो गया होगा। लीव द मीटिंग, नो प्रॉब्लम।